हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और देखो भाई साहब, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा नटखट एंड चुलबुलापन टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो इसको नटखट एंड चुलबुलापन क्यों बोलते हैं तो मैं अभी बताऊँगा आपको। बट एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या फिर ट्रांसपोजोन्स में आपसे हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आपका ट्रू है एंड कौन सा आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल बेस आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप देखो अपने हाथों से इसका जो है इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। एक्चुअली पीडीएफ तो मैं हर लेक्चर की आपको अवेलेबल करवाता हूं, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे कहां पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप चैनल पर पहुँच जाओगे, ठीक है ना। और याद रख लेना, जिस डेट को ये जो लेक्चर है वो अपलोड हुआ है उसी डेट में आपको जो है उस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप सिंपल सा उसको डाउनलोड कर लेना एंड देन उसके बाद आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इतनी तो थी आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब इसको चुलबुलापन क्यों बोलते हैं, तो भाई साहब जैसा चुलबुलेपन एंड नटखट क्या होते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वे फ्री फंट, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से फ्री फंट होते हैं। तो सेम काम होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का, सेम काम किसका होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का होता है। अभी बात करेंगे कि ट्रांसपोजोन्स किसको बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो इससे पहले आप एक चीज़ देखो, आपके सामने एक डायग्राम होगा और इस डायग्राम में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की कॉर्न के जो है कलर चमक रहे होंगे, ठीक है ना। ये है कॉर्न। अब यहाँ पर अब आपके यहाँ पर इसको, हमारे यहाँ पर तो देखो इसको भुट्टा बोला जाता है, आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे इस बात का नहीं पता, बट हमारे यहाँ पर इसको भुट्टा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बात करो तो कॉर्न या फिर मेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर चमक रहे होंगे। कलर कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, कलर कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, मन कर रहा है कि इनको मैं मतलब निकाल करके और सबसे पहले इनको मैं ही खा लूँ। बट अगर मैंने इनको खा लिया ना तो मैं जो हूँ थोड़े दिनों का मेहमान होने वाला हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जो है ये सारे के सारे म्यूटेशन केस हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, म्यूटेशन केस हैं। इस बात को याद रख लेना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के कारण ही नज़र आ रहे हैं। और इस बात को सबसे पहले बर्बरा एम सी क्लिंटोक ने बताया था, बट उन मैडम को इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, एक्चुअली उन्होंने जंपिंग जीन क्यों बताया था कि ये जंपिंग जीन है, और जब उन्होंने इस बारे में बताया तो उनको इस बात का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है ना, रिवॉर्ड नहीं मिला। हालांकि उनको बाद में रिवॉर्ड मिला था, उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था बाद में। बट जिस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, बट उनकी बात को उस समय पर मजाक में समझा गया था, ठीक है ना, उनकी बातों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। ये सेम उसी प्रकार से हुआ कि आपने इवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, नाम आप बताएंगे मुझे, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम जो हैं यानी कि ह्यूमन जो है वो बंदरों से आए हैं, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वे बंदर हैं, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था इवोल्यूशन में। तो उनके घर पे पत्थर बरसाए गए थे, ठीक है ना, पत्थर बरसाए गए थे, और उनको इतने गंदे गंदे मैसेज आते थे कि तेरा बाप होगा मतलब बंदर, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। बट जब लास्ट में 30 साल के बाद जब लास्ट में जो है जेनेटिक के ऊपर काम किया गया और जेनेटिक्स को देखा गया कि इवोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो उनकी बात सच निकली। लेकिन उस समय पर जब वे जीवित थे तो उस समय पर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनने को मिला था। और आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी को कहो, उस समय पर कोई जानकारी नहीं थी जेनेटिक्स की, ना ही जानकारी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि हमारे जो पूर्वज हैं वे बंदर हैं, ठीक है ना। अब किसी के पूर्वज जो थे भाई राजा महाराजा थे, मतलब अच्छे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उनको इतनी सुनने को मिली थी ना,
काफ़ी ज़्यादा उन साइंटिस्ट का मजाक बना था। इवोल्यूशन जब पढ़ाऊँगा मैं आपको उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी बताऊँगा, ठीक है ना। मात्र 21 साल की उम्र से ही किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो है मतलब एक प्रकार से योगदान देना स्टार्ट कर दिया था साइंस में, ठीक है ना। और कितना वे घूमे, क्या क्या योगदान दिया, आई होप आपको जो है साइंटिस्ट याद आ रहे होंगे। अगर आपने BSc या फिर MSc किया तो आपको साइंटिस्ट याद आ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सेम कहानी जो है आपके साथ हुई थी, यानी कि वरवरा MC क्लिंटोक के साथ हुई थी, ठीक है ना, जब उन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया था। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बैठता है कि आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या फिर इनको हम ट्रांसपेजोन्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम ट्रांसपेजोन्स भी बोल सकते हैं, इस बात को याद रख लेना। ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना। यानी कि ये होते क्या हैं वो देखो। तो भाई साहब ये पार्ट होते हैं DNA के, हमेशा याद रख लेना। एग्जामिनर आपसे देखो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना उन पर ध्यान देना। अब ट्रांसपोजेबल वो लिख दिया, अगर उसने लिख दिया कि ट्रांसपोजेबल आर एलिमेंट ऑफ RNA तो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल गलत है। बट ट्रांसपोजेबल आर DNA तो भाई साहब ये स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वे आपके DNA होते हैं, ठीक है ना। वे क्या होते हैं, DNA होते हैं, इस बात को याद रख लेना। और देखो भाई साहब अब ऐसा होता है ये कि पूरा DNA होता है तो मैं कहूँगा नहीं, ये एक शॉर्ट सेगमेंट होता है DNA का, ठीक है ना। क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट होता है DNA का, इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना। मान लो अगर ये आपका पूरा का पूरा एक मैं DNA मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, अगर ये DNA मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर कुछ पार्ट होगा जो कि आपका कैसा होने वाला है, जो कि आपका मान लो इतना पार्ट है, तो इस पार्ट को अगर ये पार्ट अगर इस पार्ट के पास आप मतलब एक प्रकार से शक्ति है कि ये एक जगह से फुदक के दूसरी जगह चला गया, ठीक है ना। तो इस ऐसे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोलेंगे। नहीं समझ में आया दोबारा सुनो भाई साहब, ठीक है ना, दोबारा सुनो के ये जो आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है इसके अंदर मूवमेंट करने की क्षमता होती है। यानी कि ये यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद या तो ये इस ही स्टैंड पर यहाँ पर आकर के अपने आप को अरेंज कर ले, अपने आप को यहाँ से उठा करके यहाँ से उठा एंड यहाँ पर लग गया, ठीक है ना। या फिर हो सकता है किसी दूसरे डीएनए के अंदर ये अपने आप को इंसर्ट कर ले, यानी कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ मतलब ऊपर से उठ करके और आपका जो है यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे प्रकार के DNA मॉलिक्यूल को याद रख लेना, ऐसे टाइप के DNA मॉलिक्यूल को जो मूवमेंट करते हों हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब भाई साहब सबसे मेन और काम की बात आती है कि ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं इनका मूवमेंट केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इनका जो मूवमेंट है वो केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, यानी कि ये एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जंप नहीं कर सकते, याद रख लेना। इनका जो जंपिंग नेचर होता है वो केवल और केवल एक, यानी कि अगर मैं ये क्रोमोसोम्स बनाऊँ, दूसरा क्रोमोसोम्स मैं ये बनाऊँ, तो इस क्रोमोसोम्स पे तो ये जंप कर जाएंगे या फिर यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, बट एक सेल के अंदर ही यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर ही ये अपने आप में फुदकते रहते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से एक कुएं के अंदर मेंढ के जो है वो इधर से उधर उधर फुदकती रहती है ना, और वो समझती है कि ये जो मेरा कुआ है इससे बड़ा कुछ नहीं, लेकिन उससे बड़ा समुद्र होता है। तो सेम उसी प्रकार से ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये केवल और केवल एक सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वे इधर से उधर फुदकते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर देखो भाई साहब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आप मैं कोई खाली सा पेज लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, ये मिल गया मुझे खाली सा पेज। तो यहाँ पर आपसे अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आप PhD के इंटरव्यू के लिए जाते हो,
तो आपसे जो आपका इंटरव्यूअर होता है काफ़ी सारे अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन वो ये ज़रूर पूछता है, उसका मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ऐसा है कि जो आपने नाम सुना होगा वायरस, ठीक है ना, वायरस, अब वायरस एंड ट्रांसफर जोन्स जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि उनके बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, ऐसा क्यों पूछते हैं वे, क्योंकि भाई साहब वायरस के पास भी, वायरस क्या करता है, वायरस के पास भी आपका डीएस होता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये ट्रांसफर जोन्स जो होते हैं इनके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनके पास भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इनकी एक सेम प्रॉपर्टी रहती है, और सेम प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये दोनों के दोनों ही मूवमेंट करते हैं, ये दोनों के दोनों ही मूवमेंट करते हैं। तो अब आपसे जो एग्जामिनर होता है वो इनके बीच में डिफरेंस पूछता है ट्रांसफर जोन्स को लेकर के, ठीक है ना, आपको ट्रांसफर जोन शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब इन दोनों के बीच में अंतर बताओ। तो आपका जो आंसर होने वाला है आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, आप बताओगे कि सर देखो वायरस जो होता है, वायरस का जो डीएनए होता है, जो वायरस का डीएनए होता है एक्चुअल में, अगर मैं वायरस यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मान लो ये ही वायरस समझो, इसको यही कोई वायरस है, और यहाँ पर आपका जो डीएनए होता है वो कुछ इस प्रकार से पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो डीएनए है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर मतलब कि आपका मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँचा फिर इस सेल से दूसरी सेल के अंदर चला गया, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है वो सेल टू सेल हो रहा है। मूवमेंट कैसा हो रहा है याद रख लेना, वायरस के अंदर सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं ट्रांसफर जोन्स के बारे में, तो जो ट्रांसफर जोन्स होता है, मान लो ये मैंने आपका एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक ना, ये आपका मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया है, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि मैंने आपको सेल बायोलॉजी में चाहे कोई सा भी ऑर्गेनल हो सारे के सारे ऑर्गेनल के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है, ठीक है ना। न्यूक्लियस को भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एम फेज को छोड़कर जब ये इंटर फेज में होता है तो जो क्रोमेटिन होते हैं वे धागे नुमा संरचना में पड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि जो क्रोमेटिन होता है वो आपके प्रोटीन प्लस डीएनए का पार्ट होता है, इतनी बात आप याद रख लेना। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर जोन्स होंगे, मान लो यहाँ पर आपका कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, अब ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद ये निकल सकता है, कॉपी कर सकता है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बाद कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होती है दोनों देखेंगे हम, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं है। तो ये यहाँ से निकला या फिर इसने अपनी कॉपी बनाई और ये यहाँ पर आकर के जो है लग गया, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के ये लग जाता है। बट इसकी जो मूवमेंट होती है विद इन सेल होती है, यानी केवल और केवल सेल के अंदर होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि विद इन सेल आपको जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी इस ट्रांसफर जोन्स की, ठीक है। तो अब आपके समझ में आया कि ट्रांसफर जोन्स किसको बोलते हैं, और याद रख लेना कि ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये जो क्या है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हो रहा है, और इसकी जो ये मूवमेंट है इसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो इसकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इसकी मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं, तो चिंता करने वाली वो कोई बात है नहीं, इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, किस प्रकार से ये आपके जो है वायरस से अलग होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई साहब अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, ठीक है ना, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और अगर मैं आपसे एक जनरल बात पूछूं कि भाई साहब आप ऐसा है, आप मुझे बताओ कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
और अगर हम इनको पेयर में गिनेंगे तो 23 पेयर होते हैं, मैं कहूँगा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। फिर आप बनोगे एक्सपर्ट, आप आगे आगे भागने की कोशिश करोगे और आप कहोगे कि सर इसमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है एंड बाकी के आपके 22 टाइप के जो क्रोमोसोम्स बचे हैं वे ऑटोसोम्स होते हैं। मैं कहूँगा भाई साहब कतई ग्रेट, एकदम बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप कहोगे कि सर ऐसा है कि हमें और कुछ भी पता है, मैं कहूँगा भाई क्या पता है कि सर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारा टोटल डीएनए कंटेंट होता है, जो हमारा टोटल डीएनए कंटेंट है, अगर मैं मान लूँ कि आपके शरीर के अंदर 100% डीएनए मटेरियल को उठा लूँ, 100% डीएनए मटेरियल को मैं उठा लूँ, तो आप कहोगे कि सर ऐसा है कि हमें पता है कि हमारे अंदर जो डीएनए पाया जाता है, अगर 100% हमारे अंदर डीएनए पाया जा रहा है तो इस 100% में से हमारे अंदर एक से लेकर के केवल और केवल 2% डीएनए ऐसा होता है जो प्रोटीन को कोड कर सकता हो, यानी कि जो कि हमारा ओरिजिनल डीएनए हो, जिस डीएनए के पास हमारे जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो। मैं कहूँगा बेटे बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप कहोगे कि सर ऐसा है कि मैं इसका परसेंटेज पूरा लिखूँगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि सर ऐसा है कि 99 to 98% डीएनए जो हमारा बच गया है, उसको बोलेंगे हम जंक डीएनए, उसको क्या बोलेंगे, जंक डीएनए बोलेंगे। अब मैं कहूँगा बेटे बात तो सही है कि आपने जंक डीएनए बोल दिया है, बट ये बताओ कि इस जंक का मतलब क्या है, तो आप में से एक जो है मतलब एक स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट उठेगा और बोलेगा कि सर देखो ऐसा है कि पता हमें सब चीज़ है कि ये जो जंक डीएनए है इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और इन्फॉर्मेशन नहीं होती यानी कि प्रोटीन को कोड नहीं कर सकते, इसलिए नॉन कोडिंग, यानी कि ये हमारा नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब आप में से कोई एक और स्टूडेंट उठेगा, ठीक है ना, एक ब्राइट स्टूडेंट तो उठा, एक और स्टूडेंट उठेगा, अब वो कहेगा कि सर ऐसा है कि जो जंक डीएनए है ना, ये जो जंक डीएनए है इसको हम इंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम सर इंट्रॉन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंट्रॉन का पार्ट होता है। अब मैं पूछूंगा कि बताओ भाई साहब इंट्रॉन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर सबर करो थोड़ा सा, आगे जो है हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, आगे हमने सबसे पहले रेप्लिकेशन पढ़ लिया है तो हम ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है आपका इंट्रॉन, ठीक है ना, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो मैंने जो है मान लिया कि मैं अब आगे पढ़ूंगा, बट इस ये जो आपका 1.2% है, क्या मैं इसको 1.2% ही कहूँगा या फिर और कुछ भी कहूँगा, तो मैं इसको आपका प्रोटीन कोडिंग रीजन भी कह सकता हूँ या फिर प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी बोल सकता हूँ या फिर मैं इसको आपका एग्जोन के नाम से भी जानता हूँ, इसको मैं एग्जोन के नाम से भी प्रोनंसिएट कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे डीएनए का जो टोटल 100% अमाउंट है उसका केवल और केवल 1 to 2% ही एग्जोन पार्ट है जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअल में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। और मेरे शरीर का क्या, आपके जो सेल्स होती है, सेल्स में जो डीएनए पाया जा रहा है उसमें से 99% जो डीएनए है वो कैसा है, जंक डीएनए है, किसी काम का नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है भाई, ठीक है, ऑल राइट, तो अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और मैं कहूँगा कि भाई साहब चलो अब आपने तो खाली इतनी बात बताई है, अब आगे की बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये आपका 100% डीएनए है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ लाइन, इसको मैं डिवाइड करूँगा साइन में, इसको डिवाइड करूँगा मैं आपका लाइन में, इसको डिवाइड करूँगा मैं एलटीआर में, यानी कि लॉन्ग टर्मिनेटर रिपीट, आपके रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, इसके बाद डीएनए ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना, मैं करूँगा इनमें डिवाइड।
और मैं बताऊंगा अब आपको कि ये होते क्या, आपके LTR क्या होता है, DNA ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, तो मैं अब आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर बहुत अच्छा, मज़ा आने लग गया है अब हमको, अब हम अपना जो है टाइम इसमें लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बात पता चलने वाली है, क्योंकि एक तो हम टॉपिक बड़ा अच्छा पढ़ना है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स, और दूसरी बात सर आपने ये लाइन साइन ये कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में देखी हुई है, लाइन साइन से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भाई साहब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं चलूँगा अब आगे। अब मैं आपके लिए फिर दोबारा से वही जो है ये डायग्राम ले आया हूँ, क्योंकि मुझे ये डायग्राम इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा मन कर रहा है इसको अभी मैं निकाल लूँ और इसको भून करके, इस पर नींबू लगा करके और नमक लगा करके ना इसको मैं अभी चबाऊँ, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये डायग्राम, मैं इसलिए इसको दोबारा ले आया, ठीक ना, मैं इसको दोबारा ले आया। एक्चुअली एक बार ये डायग्राम आपको लास्ट में भी मिलेगा, ये डायग्राम काफ़ी अच्छा है यार, देखो कितना अच्छा डायग्राम, भले ही इसे खाने से इंसान मर जाए, बट डायग्राम देखो कितना अच्छा डायग्राम, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम आया है, ऐसा लग रहा है जैसे मोती बिखरे हुए हों, ठीक है ना, मोती लग रहे हों, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर टाइप के आपके स्टोन हो, यानी कि पत्थर हो, ठीक है। तो चलो खैर छोड़ो, जो जितने याद रख लेना, ये डायग्राम मैं इसलिए भी लेकर के आया हूँ कि जो आपको बाहर से, जो बाहर से जितना अच्छा चमकता है ना, जो जितना सुंदर चमकता है, जो जितना अच्छा रहता है, बाहर से बनने की कोशिश करता है, उसके अंदर इतना ही ज़्यादा जो है वो आप समझ सकते हो कि वो इतने ही ज़्यादा आपको नुकसान देने वाला है। ये डायग्राम लाने का मतलब ये भी था, ठीक है ना, ये डायग्राम लाने का मतलब ये भी था कि भाई साहब जो बाहर से आपको काफ़ी अच्छे चमकते हैं बाहर से लोग, वे अंदर से कितने ज़्यादा आपके जो है आपके लिए बेकार होने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई साहब हमें टॉपिक पढ़ना है, और ये ऐसा नहीं पढ़ना है कि मतलब बस थोड़ा सा टॉपिक था, 5-5 मिनट की वीडियो बनाए, शॉर्ट बनाए और चल दिए, टॉपिक समझ में आ नहीं रहा। टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि भाई साहब आपका जो है मन भी लगा रहा है टॉपिक में और आपके समझ में भी आए, ठीक है ना। तो वही काम मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब हम पढ़ेंगे अपना जो है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका लिखे हुए हैं कि जो ट्रांसपोजोन्स है, जो आपके ट्रांसपोजोन्स हैं उनको और भी काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। जो आपके ट्रांसपोजोन्स हैं, ट्रांसपोजोन्स को हम और भी काफ़ी सारे नाम से जान सकते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं सेल्फिश DNA, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, सेल्फिश DNA, इसी को बोलेंगे जंक DNA, इसी को क्या बोलेंगे, जंक DNA, इसी को बोलेंगे स्पैम DNA, क्या बोलेंगे, स्पैम DNA, जीनोमिक्स पैरासाइट्स एंड जंपिंग जीन, और भी मोलिकुलर पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है ना, और भी इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। तो सबसे पहली बात इसको सेल्फिश क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात इसको सेल्फिश क्यों कहते हैं, तो देखो भाई साहब अगर ये किसी, मान लो ये DNA था, अब इस DNA के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एग्जोन का पार्ट है, अब इस एग्जोन के पास, याद रखो एग्जोन के पास कोई भी हमारी जानकारी थी, कोई भी हमारी जानकारी थी, अब उस जानकारी को मान लो ये आपका जो है ट्रांसपोजोन्स आया कहीं से निकल के, ये ट्रांसपोजोन्स का पार्ट था, ये आकर के यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है ना। किस प्रकार से कट होता है, किस प्रकार से पेस्ट होता है, किस प्रकार से कॉपी बनती है, वो हम सब देखेंगे कि किस प्रकार से जुड़ता है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये लग गया। अब लगने के बाद ये क्या काम करेगा, ये भाई साहब इस DNA के लिए पैरासाइट की तरह काम करेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो अब क्या हो गई, वो तो अब ब्रेक हो गई, इन्फॉर्मेशन ख़त्म, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ख़त्म। अब इन्फॉर्मेशन ख़त्म तो भाई साहब अब ये यहाँ पर जो आकर बैठा है, अब ये जो आकर के बैठा है ना, तो अब इसने अपना अपना फ़ायदा किया, दूसरे का कर दिया इसने नुकसान, दूसरे का यानी कि इस DNA का नुकसान कर दिया, तो इसलिए ये कहलाया सेल्फिश, इसलिए क्या कहलाया, सेल्फिश। और ऐसा नहीं केवल एक ही आकर बैठेगा यहाँ पर, ये एक तो आएगा और दूसरों को भी बुला लेगा कि भाई साहब तू भी आ जा, अगर इसने कॉपी कर ली ना अपनी, अगर इसने बाई चांस कॉपी कर ली अपनी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कम से कम आपके दसियों आपके ट्रांसपोजोन्स आ जाएंगे, दसियों ट्रांसपोजोन्स आ जाएंगे, तो इसलिए जंक DNA कहा, यानी कि जो आपके ट्रांसपोजोन्स हैं वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए जंक DNA बोला जाता है।
इसके बाद इसको जीनोमिक्स पैरासाइट्स को बोलते हैं, क्योंकि इसने जो यहाँ पर जो मैसेज था उसको ब्रेक कर दिया, उसको जो जीनोम था, जीनोम के पास जो मैसेज था उसको ब्रेक कर दिया है, यानी कि पैरासाइट की तरह काम कर दिया है। जंपिंग जीन को बोलते हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट ऐसी है भाई साहब कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जाता क्या है एक्चुअल में आपका डीएनए का पार्ट जाता है, और डीएनए के पार्ट में क्या होता है हमारा जीन होता है, इसलिए हम इसको जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। अब ट्रांसपेजोन्स के ये कुछ आपके जो है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेजोन्स से रिलेटेड आपके जो हैं कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है आपके आपका ये यूबीक्विटस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यूबीक्विटस का मतलब क्या होता है, सर्वत्र प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपका प्राकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, एंड चाहे आपके आर्किया हो, ठीक है ना, चाहे आपका आर्किया हो, ये आपका सभी जगह प्रेजेंट होने वाले हैं। यानी कि इतने चुलबुलेपन है ना, इतने नटखट हैं कि भाई साहब सब जगह प्रेजेंट होंगे और सब जगह भागे भागे फिरेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो ट्रांसपेजोन्स टर्म थी, याद रख लेना, जो ट्रांसपेजोन्स टर्म थी वो विलिंक ने दी थी, ठीक है ना। ट्रांसपेजोन्स टर्म किसने दी थी, विलिंक ने दी थी। इसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई साहब इनका जो प्रोपोर्शन होता है ना, जो इनका प्रोपोर्शन होता है वो आपका 40-80% रहता है, 40-80% रहता है। अगर मैं मेज याद रख लो, अगर मैं मेज एंड आपका ह्यूमन की बात करूं, मेज एंड ह्यूमन की बात करूं, तो मेज एंड ह्यूमन के अंदर इनका जो परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट 45, याद रख लेना, 45-50% होता है, 45-50% होता है, ठीक है ना। यानी कि इतने ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहीं से आपका CSIR जो है स्टेटमेंट बनाएगा और आपसे दो स्टेटमेंट देगा। एक स्टेटमेंट देगा कि जो ट्रांसपेजोन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा रेयर जीन्स होते हैं, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये देगा कि जो ट्रांसपेजोन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा अवेंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर 45-50% है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अवेंडेंट है। ये कैसे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अवेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर रेयर की तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही, क्योंकि इनकी जो है इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टेटमेंट अपना ये आप क्लियर रखना। इसके बाद इट्स आल्सो नोन एज, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जंपिंग जीन हो गया आपके, जंपिंग जीन, कंट्रोलिंग एलिमेंट, ठीक है ना। ये कंट्रोल कैसे कर रहे थे कि ये ब्रेक कर रहे थे, मैंने अभी आपको पीछे बताया है, यानी कि मैसेज को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद मोबाइल एलिमेंट, मोलिकुलर पैरासाइट, सेल्फिश डीएनए एंड जंक डीएनए। तो यहाँ से देखो, ये कंट्रोलिंग एलिमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है कैंसर से बचने के लिए, ठीक है ना, कैंसर से बचने के लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है। अब देखो भाई साहब, आपका जो कैंसर होता है आपको ही पता है, अनकंट्रोलेटेड ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि वहाँ पर आपकी, वहाँ पर याद रख लेना, आपका क्या होगा, G2 फेज गायब होती है, जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक सेल से काफ़ी सारे सेल आपके बनते हैं। तो अब इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इस ट्रांसपेजोन्स को यूज कर सकते हैं, इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रांसपेजोन्स को यूज कर सकते हैं। बट कैसे, तो उस पर अभी आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है ना, अभी स्टडी चल रही है। और आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ट्रांसपेजोन्स, ये जो जंपिंग जीन है ना, इसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हो कंट्रोल किसको, सेल साइकिल को, ठीक है ना, सेल साइकिल को। तो आप अगर इंटरेस्ट हो तो आप ढूंढ सकते हो कि किस प्रकार से जंपिंग जीन में, मतलब कि हम जंपिंग जीन से जो है सेल कैंसर को बचा सकते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी कि भाई साहब ऐसा है कि इसकी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे,
ट्रांसपोजिशन बोला जाता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की लाइन इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है आपसे कि जॉइनिंग थ्रू, ये जो आपके जो ट्रांसपोजोन्स हैं और ये एक जगह से आकर के ये जो ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पर, ये जो ये आपके ये यहाँ पर आकर के, मान लो ये यहाँ पर लग गया है, तो ये जो ज्वाइनिंग होते हैं, ज्वाइनिंग थ्रू होमोलोगस इंडिपेंडेंट, यानी कि ये होमोलोगस इंडिपेंडेंट के थ्रू आपके जो है ज्वाइन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है नॉन होमोलोगस टाइप का है। अब देखो, आपको कुछ अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर ये आपके दो स्टैंड है, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब ये आपस में कैसे हो, आपस में आपके समान हो, यानी कि नियरली सेम हो। ये जो होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल बनाए हैं मैंने, ये कैसे होने चाहिए, ये आपके नियरली सेम होने चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी साइट स्पेसिफिक, जहाँ पर हमने देखा था कि मान लो ये आपके कोई भी दो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बना दिए मैंने। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि मिनिमम एक ऐसा सेगमेंट हो जहाँ पर आपके कुछ डीएनए सेक्यूंस, याद रखो कुछ डीएनए सेक्यूंस यानी डीएनए का कुछ सेक्यूंस यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड आपके मिल रहे हों, यानी कि सिमिलर हो। और सेंटर में मैंने आपको बताया था कि 15 न्यूक्लियोटाइड तो मिनिमम होने चाहिए, या फिर 15 बेस पेयर तो आपके कम से कम होने चाहिए, 15 बेस पेयर आपके जो हैं वे एक जैसे होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन पे आपको एक शॉर्ट रीजन सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी, ठीक है ना, एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में आपको क्या देखने को मिला था, कि यहाँ पर नियरली सेम आपके जो है वे क्रोमोसोम्स है, या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वे नियरली कैसे हैं, सेम्स हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ऐसी कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आपके साइट स्पेसिफिकेशन का जिक्र ही नहीं आता। यहाँ पर तो भाई साहब डायरेक्ट जो है, यानी कि ये अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ से कुछ सेगमेंट उठेगा एंड ये सेगमेंट उठ करके यहाँ पर भी लग सकता है एंड ये भाई साहब यहाँ पर भी जा सकता है। अब ये जो उठा है, यानी कि ये जो यहाँ से कट लगा है, इसके अंदर कट लगो या कॉपी हो, तो ये एक जगह से जब दूसरी जगह जा कर के जुड़ता है, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए जो प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, वे कहाँ से बनती हैं। तो याद रख लेना, अब ये जो है ये खुद अपने आप ही वे ही प्रोटीन बना सकता है, वे ही एंजाइम्स बना सकता है, जो कि इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांसपोजिशन कर सके। इसलिए सेल्फिश है, क्योंकि भाई साहब ये अपना काम अपने आप कर रहा है, किसी दूसरे से मतलब नहीं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि वो इसके लिए प्रोटीन बना कर देगा तब ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगा, इससे ऐसा कुछ नहीं। इससे जो है डायरेक्ट जो है अपना जो है ये अपना क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, कोई इसमें कुछ पूछना हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में बता देना। होमोलोगस इंडिपेंडेंट क्या होता है कि आपका जो है ये होमोलोगस जो भी आपको मॉलिक्यूल चमक रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल चमक रहा है या फिर क्रोमोसोम चमक रहा है, इन पर निर्भर नहीं होता, इन पर ये ट्रांसपोजोन्स जो होता है ये निर्भर नहीं होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, वैसे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि आपके जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं, जो आपके ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट होते हैं उनको कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं और इस डायग्राम का मतलब क्या है, तो वो हम आगे समझेंगे, ठीक है ना, आगे समझेंगे। पहले ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी कि जिनको हम ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं आर मोबाइल सेगमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ऑफ डीएनए, और किसके बने हुए होते हैं, आपके डीएनए के बने हुए होते हैं। स्टेटमेंट आई रिपीटेड स्टेटमेंट आपको देखो लिखा हुआ कम हो सकता है बट
इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, वो चीज़ आपको याद रखना है, दैट कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए साइट टू अनादर टारगेट डीएनए साइट वन विद इन सेल, व्हाट विद इन सेल, इस बात को याद रख लेना। ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स इज दैट दे कैन इंसर्ट इनटू मैनी डिफरेंट साइट इन द जीनोम्स, यानी कि जो इनका कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर क्या होता है, मान लो ये मैंने एक डीएनए बनाया है, ये मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है, अब यहाँ से कोई आपका ट्रांसपोजोन्स होगा, मान लो ये ट्रांसपोजोन्स है, ये ट्रांसपोजोन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ये जा कर के जुड़ सकता है, यानी कि इसके लिए कोई ये नहीं कि यहीं पर जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा, ऐसी कोई भी इसके लिए बाउंडेशन नहीं है, जहाँ पर इसका मन करेगा भाई साहब ये वहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ पर इसका मन करेगा ये वहाँ पर जुड़ेगा, इसलिए इसके अंदर चुलबुलापन है, ठीक है ना, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये किसी की नहीं सुनने वाला, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होमोलोगस इंडिपेंडेंट है, ये कैसा है, होमोलोगस इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसे कुछ नहीं देखना कि कहीं मेरे क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई इसको, इस बंदे को कोई मतलब नहीं है, ये सेम आपकी तरह है आज़ाद पंछी, ठीक है ना, कबीर सिंह आज़ाद। तो इसके बाद क्या है कि दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन, हालांकि मैंने कबीर सिंह मूवी नहीं देखी, एक्चुअली मूवी की बात करूँ तो मैंने KGF 2 भी मूवी नहीं देखी, KGF 1 पता ना जाने कैसे कैसे देख ली थी, RRR मूवी मैंने नहीं देखी अभी तक, ठीक है, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता, देखना भी चाहता हूँ बट टाइमिंग नहीं मिल पाता, तो चलो कोई बात नहीं, हालांकि मैं मूवी कम देखता हूँ, मैंने मूवी अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में काफ़ी ज़्यादा मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने मूवी देखनी काफ़ी कम कर दी थी, ठीक है, तो चलो यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ट्रांसपोजिवन डज नॉट रिक्वायर एनी सेकंड होमोलॉजी, यानी कि जो आपका ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो इसको किसी भी प्रकार के, याद रख लेना, किसी भी प्रकार के होमोलॉगी की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि इसको कोई सा भी ऐसा सेक्यूंस नहीं चाहिए जो कि इस ट्रांसपोजोन्स जैसा हो, यानी कि जैसे ट्रांसपोजोन्स का नेचर हो वैसे ही इसको कोई भी आपका जो है होमोलॉगी नहीं चाह रहा, ये अपने आप में अकेला काम कर देगा। बिटवीन ट्रांसपोजोन्स डीएनए एंड टारगेट साइट्स, अब यह ट्रांसपोजोन्स डीएनए एंड टारगेट साइट्स क्या है वो अगर मैं बताना चाहूँ, तो मान लो ये कोई डीएनए स्टैंड है, ठीक है ना, ये डीएनए स्टैंड है, अब यहाँ पर जो, याद रख लेना, ये जो ट्रांसपोजोन्स है, ये जो ट्रांसपोजोन्स हैं इसको हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स भी बोल सकते हैं, इसको हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी बोल सकते हैं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होता है आगे देखेंगे, और जहाँ पर ये जा कर के अलाइन होगा, जहाँ पर ये जा कर के फिक्स होगा, जहाँ पर ये जा कर के लगेगा, जहाँ पर ये जा कर के ऐड होगा, उस स्थान को हम बोलते हैं टारगेट साइट, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं टारगेट साइट्स बोलते हैं। इतनी बात पता चली, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ट्रांसपोजोन्स फाउंड इन जीनोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं इनके जो जीनोम्स, यानी कि जो डीएनए का सेगमेंट होता है वो आपके ऑल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, ऑल सेगमेंट के अंदर आपका जो है पाया जाता है। इसके बाद मोर देन 45% ह्यूमन जीनोम कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपोजोन्स, और ऑलमोस्ट जो आपका डीएनए का पूरा आपका कंपोनेंट होता है उसका 45% किसके अंदर बता रहा हूँ, ये मेज के कंटेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमन के कंटेंट में यहाँ पर लिखा हुआ, बट अगर आप टोटल की बात करोगे तो 40-80% बता रखा है मैंने, ठीक है ना, 40-80% बता रखा है मैंने आपको। इसके बाद मोर देन 50% मेज जीनोम कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपोजोम्स, यानी कि मेज के पास जो आपकी मेज होती है उसके पास 50% से ज़्यादा जो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, यानी कि आपके जो जीनोम होगा उसमें इतने सारे जो हैं क्या होने वाले हैं ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट होने वाले हैं। ट्रांसपोजोन्स कंट्रीब्यूट जेनेटिक वेरिएशन दैट इज
दैट इज़ द सबस्ट्रेट फॉर इवोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है ये। जो ट्रांसपेजोन्स होते हैं वे कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं जेनेटिक वेरिएशन में। जेनेटिक वेरिएशन में किस प्रकार से योगदान देंगे कि मान लो भाई साहब आपका डीएनए ये था, ठीक है ना, आपका डीएनए ये था। अब इस डीएनए पे कोई भी हमारी सूचना है, कोई भी हमारी क्या है सूचना है, यानी कि मैसेज है किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, मैसेज है किसी भी प्रकार का। अब ये क्या है, ये मान लो यहाँ पर तो मैसेज था कि भाई साहब जो आपका जो आर है उसको जो है पास करना है। चलो आर को पास छोड़ो, यहाँ पर मैं आपका किसी का नाम उठा लेता हूँ कि सचिन है, ठीक है ना, जो सचिन है, सचिन की यहाँ पर जो है मसल्स बनानी है, सचिन की यहाँ पर मसल्स बनानी है, यानी कि उसके ट्राइसेप बाइसेप्स बनाने हैं, इस डीएनए पर लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आ गया भाई साहब एक बीच में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, यहाँ पर आ गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, यहाँ पर क्या आ गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आ गया है, और ये डायरेक्ट आकर के कहाँ पर जुड़ा, डीएनए के अंदर जुड़ा, ये कहाँ पर जुड़ा, डीएनए के अंदर जुड़ा। अब इसने क्या काम किया कि सचिन पहले बना रहा था मसल्स, बट अब यहाँ पर फैट बनेगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर फैट बनेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मसल्स की जगह फैट का जो है मैसेज आ चुका है, एंड यहाँ पर फैट सेल ज़्यादा बनने वाली है, यानी कि ये इतना लग गया, इसने मैसेज को क्या कर दिया, इसने मैसेज को बदल दिया है। और याद रख लेना, ऐसा चेंज, ऐसा चेंज जो डायरेक्ट आपके डीएनए के अंदर हो, ऐसा चेंज जो आपका डायरेक्ट डीएनए के अंदर हो, वो एक, याद रख लेना, वो क्या होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक पेरेंट टू डॉटर, पेरेंट टू डॉटर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा चेंज जो कि आपका कहाँ पर हो रहा हो, डीएनए मॉलिक्यूल पर हो रहा हो, तो वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, मतलब पेरेंट्स टू डॉटर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हो सकता है, इतनी बात याद रख लेना। तो यहाँ पर ये मान लो ये अब इसमें जेनेटिक वेरिएशन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर तो मैंने फैट की एंड मसल सेल्स की ले लो, कुछ और यहाँ पर बात ले सकते हो, जैसे सांप के अंदर आप देखते हो ना कि सांप के अंदर पहले सांप के पैर थे लेकिन उसने घसीटना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपको चेंज देखने को मिला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का चेंज जो हुआ है, यानी कि ये क्या होता है, ये आपका जो है जेनेटिकली चेंज करवा देता है, यानी कि जेनेटिकली वेरिएशन लाता है, और जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ है। अगर मैं कहूँ कि देखो, वैसे तो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि आपका स्टार्टिंग में एक बैक्टीरिया था, और इस बैक्टीरिया से ही आपका ह्यूमन बना है, यानी कि हम बने हैं, तो हमारे पूर्वज बंदरों से भी पहले कौन थे, हमारे पूर्वज बैक्टीरिया हैं जिनसे हम बने हैं, ठीक है ना, जिनसे हम बने हैं। अब भाई साहब ऐसा है कि मुझे अब तुम गालियां मत बकने लगना जिस प्रकार से आपको डार्विन को गाली बकी गई थी, ठीक है ना, नहीं तो फिर भाई साहब बात हो जाएगी, फिर बात आ जाएगी अब साइंस पे। तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको जो है मुंह पे जवाब देना जानती हैं, ठीक है ना। फिर मैं कहूँगा कि आओ बेटा अब आपको मैं पढ़ाता हूँ इवोल्यूशन, एंड मैं बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से बैक्टीरिया से हमारा जन्म हुआ है, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर गलत पंगा ले लिया हमने, ठीक है। तो इतने स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, याद हो गया, हो गया ना इतना याद, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, कितने परसेंट पाए जाते हैं, किस प्रकार से इवोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है ना, इतनी ही बात अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि ऑल ट्रांसपोजोन्स हैव डीएनए सेक्वेंस नियरली फॉर देयर ऑन मूवमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर जो डीएनए सेगमेंट जो ट्रांसपोजोन्स है ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है, तो भाई साहब मूवमेंट किसके थ्रू कर रहा है, जो मूवमेंट के लिए जो भी प्रोटीन की ज़रूरत है, जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत है, वो सब ये खुद बना रहा है, यानी कि आउन जो है अपने आप ही ये बना रहा है, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब था ये। इसके बाद ट्रांसपोजोन्स आर कन्फाइंड टू मूविंग न्यू डी एन ए साइट विद इन ए सेल, यानी कि एक सेल के अंदर ही ये मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट कैसा करेंगे, विद इन सेल करेंगे, मूवमेंट कैसा करेंगे, याद रख लेना, मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको दो दो बार दोहरा रहा हूँ, जो मूवमेंट करेंगे ये विद इन सेल करेंगे, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल इन्वर्टेज रिपीट एट द एंड ऑफ
मैनिवट नोटाल ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट ऑफ शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीटेड ऑन बोथ साइड ऑफ मोस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो इसने इन दो स्टेटमेंट में क्या कहा है वो चीज़ हम पढ़ते हैं, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब मान लो ये कोई भी आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये क्या है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इसके दोनों साइड में इधर की साइड में भी एंड इधर की साइड में भी क्या पाए जाते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाए जाते हैं, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाए जाते हैं। स्पेलिंग देखना चाहोगे तो ये रही, ठीक ना, यानी कि टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट आपके जो है पाए जाते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है ये सभी में नहीं पाए जाते, याद रख लेना, जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये सभी में नहीं पाए जाते, इतनी बात पता चली। बट टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाए जाते हैं, याद रख लेना, मोस्ट ऑफ केस में। अगर मैं 100% में से बात करूँ तो 100% में से ये काफ़ी सारे परसेंट ऐसे हुए हैं। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट परसेंटेज आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो तो अभी तक किसी बुक में भी डाटा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपके जो है जो क्या पाए जाते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो आपके ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके दोनों साइड में फ्लैंक्ड होते हैं, फ्लैंक्ड मतलब दोनों साइड में यानी कि दोनों पोजिशन में फ्लैंक्ड होते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपके इस वाले स्टेटमेंट की बात। दूसरे स्टेटमेंट की बात क्या थी कि यहाँ पर अगर मैं आपको और कुछ भी बताना चाहूँ कि ये जो आपके टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट होते हैं ये ऑलमोस्ट 15 बेस पेयर तक के बने हुए होते हैं, ठीक ना, यानी कि 15 बेस पेयर इधर की साइड में एंड 15 बेस पेयर इधर की साइड में 15 बेस पेयर के आपके होते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं कि इस दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है यानी कि इस वाली लाइन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर और भी आपके और भी इसके बाद भी आपके, ये मान लो यहाँ पर दूसरा पेन ले रहा हूँ एक सेकंड को, यहाँ पर और भी आपके कुछ सेक्वेंस पाया जाता है, ये सेक्वेंस पाया जाता है जिसको हम फ्लैंक्ड या फिर शॉर्ट डायरेक्टिंग फ्लैंक रिपीट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इनको क्या बोला गया, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट। अब अगर मैं आपको सही करके बताऊँ तो याद रख लेना जो आपके ये वाले हैं, जो आपके ये वाला सेक्वेंस है इनको बोलते हैं आपके इन्वर्टेड रिपीट। इसको याद रख लेना IR, इसको याद रख लेना IR, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट। एंड इसके बाद का जो ये एलिमेंट होता, ये जो आपका जो सेक्वेंस आया है इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट बोला जाता है। एक्चुअली मैं इसके लिए डायग्राम लेकर के आया था बट ये गाइस डायग्राम जो है आपका गलत है, ठीक ना, ये डायग्राम गलत है और मैंने देखा है कि टीचर अक्सर इस डायग्राम से पढ़ा देते हैं बट ये डायग्राम गलत है। अब ये डायग्राम गलत क्यों है तो देखो भाई साहब, सबसे पहले आपको कुछ और चीज़ें और बातें जो है जाननी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपीट क्या होते हैं, ठीक है ना, रिपीट्स क्या होते हैं। हालांकि मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि रिपीट्स क्या होते हैं एंड ये आपके रिपीट जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, रिपीट जो हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमने बात की थी कि आपके तीन प्रकार के रिपीट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, तीन प्रकार के रिपीट्स आपके जो है पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट, पहले को बोलेंगे डायरेक्ट रिपीट। दूसरे को बोलते हैं हम इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है ना, दूसरे को इन्वर्टेड रिपीट। एंड तीसरे को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया दूसरा। एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा होता तो आपका इन्वर्टेड रिपीट ही है बट ये आपके दो स्टैंड में होगा, ये कहाँ पर होगा बोथ स्टैंड पे होगा, ये आपका बोथ स्टैंड पे होने वाला है, कहाँ पर बोथ स्टैंड पे होगा। जबकि जो आपका सिंपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन्वर्टेड रिपीट की तो ये आपका केवल और केवल एक ही स्टैंड पे होगा। तो चलिए आइए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब मान लो ये कोई भी मैंने डीएनए सेक्वेंस बना लिया आपका, ठीक है ना, ये डीएनए सेक्वेंस बना लिया है। अब मैं बात करता हूँ नंबर वन की, जिसको मैंने बोला था डायरेक्ट रिपीट, जिसको क्या बोला था मैंने डायरेक्ट रिपीट बोला था। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ ए
ए वी सी, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ए वी सी। तो यहाँ पर देखो एक ही स्टैंड के अंदर मान लो डीएनए का डबल स्टैंड होता है ना, तो एक ही स्टैंड के अंदर आपको जो है रिपीट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये रिपीट आपको एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे रिपीट को हम बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है जो मैंने लिखे हैं ABC ना, इसको आप ACTG भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो वो आपकी इच्छा थी बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ABC करा है। तो यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट रिपीट दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिपीट दिख रहे हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल लेकर के चलूँ कि इसको आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो भाई साहब ये आप जब सैटेलाइट DNA पढ़ते हो ना, याद रख लेना, जब आप सैटेलाइट DNA पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सैटेलाइट डीएनए, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। एंड सैटेलाइट DNA आप कहाँ पर पढ़ते हो, टीलोमियर के पास में, ठीक है ना, कहाँ पर पढ़ते हो, टीलोमियर में पढ़ते हो, याद रख लेना, टीलोमियर में पढ़ते हो, इस बात को भाई साहब याद रख लेना। और एक्चुअल में ये कहाँ पर पढ़ते हो, एक्रोसोम में, एंड एक्रोसोम में भी कहाँ पर पढ़ते हो, तो वो आपको बताया है मैंने जो किया है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बताए थे, ठीक है ना, जब मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था ये आपका AC एक्रो है, ठीक है ना, ये आपका एक्रो है, तो इस बात को मत भूलना भाई साहब। ये आपका मैं कर देता हूँ इसको एक्रो, ठीक है ना, इसको कर देता हूँ एक्रो, ठीक है, तो ये हो गया एक्रो। इसके बाद दूसरे की बात करूँ जिसको हमने बोला IR, यानी कि इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है ना, ये हो गया आपके इन्वर्टेड रिपीट। अब इन्वर्टेड रिपीट क्या होते हैं, मान लो ये डबल स्टैंड बना लिया, डबल स्टैंड में बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँ ए वी सी, और इधर से अब मैं इसको जो है उल्टा कर दूँ, यानी कि AVC, यानी कि इधर से डायरेक्शन आप ये देख रहे होंगे बट इधर से डायरेक्शन आपकी ये वाली है, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट। और ये आपके कहाँ पर होते हैं, ये आपके एक ही स्टैंड पे होते हैं, ये आपके एक ही स्टैंड पे होते हैं, और यही आपके एग्जांपल होते हैं किसके, ट्रांसपोजोन्स के, यही एग्जांपल किसके होते हैं, ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना, ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। तो हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी हो जाए क्योंकि दिमाग में भी देखो चार बातें चल रही हैं, तो इसी कारण होता है कि दिमाग में भी क्या क्या चल रहा है, अगर मैं अभी आपसे बताऊँ ना तो काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा है, तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दिया करो, स्पेलिंग आप अपनी तरफ से भी ठीक कर सकते हो, ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना, ट्रांसपोजोन्स। इसके बाद ये तो देखो, ये जो इन्वर्टेड रिपीट है IR है, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपोजोन्स का, एंड ये कहाँ पर हो रहा है, आपके एक ही स्टैंड में हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, एक ही स्टैंड के अंदर हो रहा है। अगर इसके बाद मैं नंबर तीसरे रिपीट की बात करूं, जिसको हम IR इन बोथ स्टैंड, या फिर हम इसको डायरेक्ट पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम बोलते हैं, सॉरी पैलिंड्रोमिक स्टैंड बोलते हैं, या ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक रिपीट बोलते हैं, इस बात को याद रख लेना, पैलिंड्रोमिक, यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, एक सेकेंड को, पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक रिपीट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये अगर मैंने दो स्टैंड बनाए हैं, तो ये होगा आपका ए, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ ATCG, ठीक है ना, ये आपका 5 स्टैंड, ये आपका 5 स्टैंड है, ये आपका 3 स्टैंड है, दिस इज 5 स्टैंड एंड दिस इज 3 स्टैंड, ठीक है ना, दिस इज 3 स्टैंड। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से रिवर्स करके लिखूँगा ATGC, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार का रिवर्स आपको देखने को मिल रहा है दोनों स्टैंड के अंदर, तो इस प्रकार के रिपीट को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रिपीट। और आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़े होंगे जो आपके एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, जो आपके एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होते हैं, वे हमेशा कट कहाँ पर लगाते हैं, तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आपके पैलिंड्रोमिक पे कट लगाते हैं, यानी कि ये कट यहाँ से लगा सकते हैं एंड यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि एक कट यहाँ से दोनों स्टैंड जो है आपके वे अलग कर देंगे, ठीक है ना, या फिर कट आपका बीच में से भी लग सकता है यहाँ पर। तो जब हम टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लिएज पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि किसका कौन सा एंजाइम्स होता है
एंड कौन सा कट कहाँ पर लगाता है, ठीक है ना। और याद रख लेना, मैं आपको आरडीटी की जो है प्लानिंग कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो मैं आरडीटी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, आरडीटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर आईआर जो था, यहाँ पर ट्रांसफर जोन्स है, यानी कि यहाँ पर कट कैसा लग रहा है, इन्वर्टेड लग रहा है एंड एक ही स्टैंड के अंदर लग रहा है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप देखते हो डायग्राम, ये डायग्राम देखो, थोड़ा सा अपना जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए टी सी जी सी ए, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं उल्टा लेकर के चलूँ तो यहाँ पर ए टी आना चाहिए था ना, ए टी सी जी सी ए होना चाहिए था यहाँ पर, बट यहाँ पर टी ए जी सी जी टी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सही तरीके से आपको जो है वो क्या है, इन्वर्टेड रिपीट नहीं मिल रही। यहाँ पर इन्वर्टेड रिपीट कैसे मिल रही है, पैलिंड्रोमिक मिल रही है। यानी देखो यहाँ पर ए टी सी जी सी ए, बट अगर यहाँ पर देखोगे तो ए टी सी जी सी ए, तो यहाँ पर आपको जो है सही प्रकार से क्या नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको जो है इन्वर्टेड रिपीट नहीं मिल रही है, इसलिए इसलिए ये डायग्राम मैंने गलत बताया। बाकी जितना यहाँ पर लिखा हुआ, ये जो जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाकी और सही है, बट यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को छोड़ दो तो ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी आप बात याद रख लेना, कि एक बात याद रख लेना, ये जो आपके अंदर का पार्ट है येलो कलर का है, ये आपका एक्चुअल क्या है, एक्चुअल आपका जो है वो ट्रांसफर जोन से, जहाँ पर आपके जीन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर जीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जहाँ पर आपका जीन होता है, ठीक है, जहाँ पर, यानी कि ट्रांसफर जोन से रिलेटेड, याद रख लेना, ट्रांसफर जोन से रिलेटेड कोई सा भी मैसेज या फिर कोई सी भी प्रोटीन बननी होगी तो यहीं पर इस येलो कलर पे ही आपका जो है जीन प्रेजेंट होगा और वही आपके प्रोटीन का निर्माण करेगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जो इसके किनारों पे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। इनके किनारों पे क्या बोलते हैं, इनको टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट एंड येलो कलर का पार्ट है, एक्चुअल में यही आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इतना, ठीक है ना, इतना यही आपका क्या है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। फिर इसके बाद ये जो डायरेक्ट रिपीट पाए जा रहे हैं, यहाँ देखो टी जी सी ए ए, यहाँ पर आपको टी जी सी ए ए देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका डायरेक्ट रिपीट है, ये जो आपका डायरेक्ट रिपीट है, ये आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का पार्ट नहीं बनाते, ये आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का पार्ट नहीं बनाते, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टी जी सी ए आपको जो है देखने को मिल रहा होगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस डायग्राम में तो आपका थोड़ा बहुत सही दे रखा है, ठीक है ना, इस डायग्राम में थोड़ा बहुत सही दे रखा है। बट यहाँ पर ये देखो इन्वर्टेड रिपीट, यानी कि एक जो है एक स्टैंड इधर की साइड को भाग रहा है एंड दूसरा स्टैंड इधर की साइड को भाग रखा है, तो इन्होंने कोई अच्छा डायग्राम नहीं बना रखा है। बट इसलिए मैंने कहा कि ये डायग्राम आपका जो है रॉन्ग डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा है, रॉन्ग डायग्राम है। बाकी यहाँ पर जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट लिखा हुआ है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये आपका सही है, ठीक है ना, ये आपका कैसा है, ये आपका एक प्रकार से सही है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अब आगे। तो अब आपने भी सुना होगा कि आपके ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन एंड नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि आपके कौन से ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स होते हैं एंड कौन से आपके नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं कि ऐसे ट्रांसपोजोन्स जो अपनी प्रोटीन एंड एंजाइम को खुद बना लेते हों, जिनको किसी दूसरे एंजाइम्स या फिर जीन की ज़रूरत ना पड़ती हो, जो ट्रांसपोजोन्स अपने प्रोटीन एंड एंजाइम्स को खुद बना लेते हों, ऐसे ट्रांसपोजोन्स को हम बोलेंगे ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स। ऐसे ट्रांसपोजोन्स को क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स। बट ऐसे ट्रांसपोजोन्स जो अपनी प्रोटीन अपने एंजाइम्स खुद के द्वारा नहीं बना सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोजोन्स को हम नॉन ऑटो ट्रांसपोजोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स को किस कैटेगरी में हमने रखा है। अगर मैं स्टेटमेंट के थ्रू चलूं तो भाई साहब स्टेटमेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेटमेंट स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ट्रांसफर जोन्स दैट कैरी ए पेयर ऑफ टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट दैट जीन्स दैट एनकोडेड प्रोटीन नेसेसरी फॉर देयर मोबिलिटी आर कॉल्ड ऑटोनोमस ट्रांसफर जोन्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो आपके टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट चमक रहे हैं ना, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट चमक रहे हैं, ये ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो डीएनए सेगमेंट है यानी कि ट्रांसफर जोन्स है, ये यहाँ से कट होने वाला है या फिर इसकी कॉपी होएगी या फिर इसमें से ये कहाँ पर जा कर के लगने वाला है। तो ये टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट ही मतलब इसको जो है वो ध्यान रखेंगे, और जब ये ध्यान रखेंगे तो यही तो रेस्पॉन्सिबल होंगे ना, जो जीन्स इसके अंदर यहाँ पर पाया जा रहा है, जो जीन्स यहाँ पर पाया जा रहा है, ये जीन में से प्रोटीन बने, ये जीन में से एंजाइम्स बने, ठीक ना, वही तो आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। और याद रख लेना यहाँ पर से आपका जो इम्पोर्टेंट हो, मान लो ये कोई पार्ट था, इसने, चलो मैं वो आपको आगे ही बात बताऊँगा, मैं वो बात आपको आगे ही बताने वाला हूँ, ठीक है, तो क्योंकि आगे ही आपके समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसफर जोन्स दैट कैरी ए पेयर ऑफ टर्मिनल, अब यहाँ पर जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, यानी कि एक इस साइड में दूसरी इस साइड में, यानी कि यहाँ पर कितनी हो गया, पेयर हो गया, उसका पेयर हो गया टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट दैट जीन्स दैट जो जीन्स होते हैं दैट एनकोडेड बाई प्रोटीन नेसेसरी फॉर देयर मोबिलिटी, यानी कि जो मोबिलिटी के लिए यानी कि ट्रांसपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वे आपके जो कि हैं कहाँ से बनते हैं, आपके टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट से ही उनकी जो है मतलब क्या होती है, एनकोडेड होते हैं वे। और ऐसे याद रखो, ऐसे ट्रांसपोजोन्स जो प्रोटीन की जो है सिंथेसिस कर लेते हैं, जिसके मतलब जो उनके अंदर एंजाइम्स की ज़रूरत है, जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हों, उन प्रोटीन को या उन ट्रांसपोजोन्स को बोलते हैं आपके ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और देखो, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स फंक्शन एज द कॉम्बिनेशन साइट्स। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन साइट्स से ये मत समझ लेना कि यहाँ पर कोई होमोलोगी साइट मिलेगी, यहाँ पर कोई भी होमोलोगी साइट नहीं मिलती भाई साहब, इतनी बात आप समझ लेना, ठीक है। ये किसके उसमें लिखा हुआ है, तो इसको सही से पढ़ो, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट फंक्शन एज डी कॉम्बिनेशन साइट्स, यानी कि जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, एक्चुअल में वे क्या काम कर रहे हैं, वे जीन का मतलब जीन को कह रहे हैं कि भाई साहब पहले तो तू बना एंजाइम्स और प्रोटीन, जब तू एंजाइम्स एंड प्रोटीन बना देगा तब तुझे जा कर के कहाँ पर लगना है वो चीज़ हम बताएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से तुझे रिकम्बाइन होना है, इसका मतलब रिकम्बाइन है, ठीक है ना, कहाँ पर तुझे जा कर के रिकम्बाइन होना है उस बात को हम बताएंगे, तू डिसाइड नहीं करेगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं ट्रांसफर जोन्स यहाँ पर बनाऊँ, तो यहाँ पर देखो भाई साहब दो पार्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं, एक पार्ट याद रखो, एक पार्ट तो होता है आपका बीच का पार्ट, एक पार्ट होता है बीच का पार्ट एंड दूसरा पार्ट होता है ये साइड वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है ना, जो कि कैसा होता है, दो एक पेयर में होता है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं, और ये ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाकर के रिकम्बाइन होना है, कहाँ पर जाकर के रिकम्बाइन होना है, मतलब ये कटेंगे और कटने के बाद मान लो ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है एंड ये डीएनए स्ट्रैंड जो है आकर के यहाँ पर लगने का, ठीक है ना, ये डीएनए स्ट्रैंड आकर के यहाँ पर लगने वाला है, बट डायरेक्ट रिपीट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इस बात को याद रख लेना, डायरेक्ट रिपीट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नॉन ऑटोनोमस ट्रांसफर जोन्स के बारे में। तो देखो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो ट्रांसफर जोन्स होंगे वे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वे क्या होंगे, वे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ट्रांसफर जोन्स दैट कैरी ओनली द टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट बट नॉट जीन दैट एनकोडेड प्रोटीन नेसेसरी फॉर ट्रांसपोजिशन आर कॉल्ड नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा वो देखो, तो यहाँ पर भाई साहब ये आपका जो है एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पाया जाएगा। अब यहाँ पर टर्मिनल रिपीट पाए तो जाएंगे, ये आपके टर्मिनल रिपीट
पाए तो जाएंगे, बट ये टर्मिनल रिपीट पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जीन है, जो यहाँ पर जीन बनना है, ये जीन नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये जीन नहीं पाया जाएगा। और जब जीन नहीं पाया जाएगा तो यहाँ से कोई भी एंजाइम्स नहीं बनने वाला, यहाँ से कोई भी एंजाइम्स नहीं बनने वाला, आप इस बात को याद रख लेना। दे आर मूव व्हेन द नेसेसरी प्रोटीन आर सप्लाइड फ्रॉम अन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स विद इन द सेम सेल। यानी कि अब एक बात याद रख लेना, ये जो है, ये जो नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ये एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट इनको हेल्प लेनी पड़ेगी, इनको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स की, इनको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स की। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉन ऑटोनोमस होते हैं, जो नॉन ऑटोनोमस होते हैं वे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, वे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं किस पे, ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स पे। किस पे डिपेंडेंट होंगे, ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स पे, क्योंकि जो आपका ऑटोनोमस पे, याद रख लेना, यहाँ पर टर्मिनल रिपीट बना रहा हूँ मैं, ये टर्मिनल रिपीट है, ये जीन्स है, यानी कि जो आपका ऑटोनोमस के अंदर जो जीन्स बनाएगा, ये जो प्रोटीन एंड एंजाइम्स बनाएगा, इस प्रोटीन एंड एंजाइम्स का यूज ही करेगा आपका ये ऑटोनोमस, यानी कि नॉन ऑटोनोमस इस प्रोटीन एंड आपका एंजाइम्स का यूज करने वाला है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको इतना स्टेटमेंट पता चला होगा। अभी देखो लेक्चर काफ़ी लंबा है, लेक्चर काफ़ी लंबा है, और जस्ट जितने स्टेटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ ना, यही स्टेटमेंट भाई साहब आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके ले आता आपके लिए, ठीक है ना, टाइम लगता है भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट जितने आपके स्टेटमेंट लिखे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ वे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, तो उनको याद रख लेना। अब इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम करते हैं ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, या फिर क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रांसपोजोन्स का। तो यहाँ पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका डीएनए ट्रांसपोजोन्स, दूसरा होता है आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। पहला होता है आपका डीएनए ट्रांसपोजोन्स एंड दूसरा होता है आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो देखो भाई साहब अब इनमें अंतर क्या होता है वो समझो। तो यहाँ पर देखो पहला, सबसे पहला आप कोई सा भी समझ सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक ना, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स को समझेंगे, सबसे पहले हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स को समझेंगे। डीएनए ट्रांसपोजोन्स में क्या है कि यहाँ पर ये कोई एक आपका क्या था, डीएनए का डबल स्टैंड मोलिक्यूल था, यहाँ पर डीएनए का डबल स्टैंड मोलिक्यूल था ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट था कोई सा भी ये इतना भाग किसका था, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का। तो इसने यहाँ से सबसे पहले तो अपने एंजाइम्स वगैरह बनाए होंगे, सबसे पहले क्या करें होंगे, इसने अपने एंजाइम्स वगैरह बनाए होंगे। दो प्रकार के एंजाइम्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रख लेना। पहले को बोलते हैं ट्रांसपोजेज, यानी कि पहले क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेज, एंड दूसरे को बोलते हैं इन्वर्टेज, आगे लिखा हुआ है। ये ट्रांसपोजेज क्या करवाता है, ये कट करवाता है, ये क्या करवाएगा, ये कट करवाएगा जो ट्रांसपोजेज होगा, एंड जो इन्वर्टेज होगा, जो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम्स होगा वो करवाएगा क्या, तो वो करवाएगा, याद रख लेना, वो करवाएगा आपका यानी कि अलाइनमेंट, यानी कि जोड़ने का काम करवाएगा, वो एडिशन का काम करवाएगा। जिस प्रकार से आपने लाइगेशन का काम समझा था, सेम उसी प्रकार से इन्वर्टेज का काम होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से दो एंजाइम्स बने होंगे, ठीक है ना, अगर मैं सही तरीके से इसको लेकर के चलूँ तो। सबसे पहले इसने अपने एंजाइम्स बनाए होंगे, ठीक है ना, एंजाइम्स बना लिए दो प्रकार के। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर कट लगा, इसके बाद यहाँ पर इसमें कट लग गया, क्यों, क्योंकि ये जो है ये आपका ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट है, यानी कि आपका ट्रांसपोजोन्स है। अब ये जो कट लगा है, ये कट निकल के ये जो है बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, और अंदर क्या बचा है, अगर मैं अंदर बनाना चाहूँ तो ये अब ब्लू पार्ट ही अब आपका अंदर बचा है, यानी कि ग्रीन पार्ट हमने से इतना निकाल लिया और ये अब जो है छोटा रह गया, छोटा हो गया मतलब। तो जो हमने ये बाहर पार्ट निकाला है, ये जो पार्ट निकाला है ये आपका इंटरमीडिएट कहलाता है, डीएनए इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है दो डीएनए, यानी कि एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा, यानी कि था तो वैसे तो आपका क्या था, आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल था, बट ये जोड़ रहा था, इनको जो है जोड़ रहा था। अगर इसको वन कर लूँ, इसको मैं टू कर लूँ, तो वन एंड टू को ये जोड़ रहा था, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोला गया है।
इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो ये यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से कट हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, ये कट हुआ है, इतनी बात समझ लेना। यानी कि इसका एक्सीजन हुआ है, ये बाहर निकला है, यानी कि इसकी इसकी जो है कटिंग हुई है, ठीक है ना। इसके बाद ये कोई दूसरा नया डीएनए टारगेट देखेगा, यानी कि जहाँ पर ये टारगेट डीएनए देखेगा, जहाँ पर ये जुड़ना होगा, ठीक है ना, जहाँ पर ये जुड़ना होगा। अब ये जुड़ने के लिए क्या काम करेगा, जो इसने एंजाइम्स बना रखे थे, जो इसने एंजाइम्स बना रखे थे, उन एंजाइम्स में यहाँ पर ये कट लगाएगा, उस एंजाइम्स की सहायता से यहाँ पर ये कट लगाएगा। एंड कट लगाने के बाद ये यहाँ पर अपने आप को इस प्रकार से पेस्ट कर लेगा, यानी कि अपने आप को इस प्रकार से लगा लेगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका लाइगेशन हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका क्या हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं पेस्ट, यानी कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा, आप कहीं से कोई सी चीज़ को जो है कॉपी करते हो, फिर उसको पेस्ट कर देते हो, कॉपी करते हो पेस्ट कर देते हो, ये आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने यहाँ पर इस वाले जो टारगेट डीएनए था यहाँ पर ला करके इसने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, इसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो याद रख लेना, डीएनए ट्रांसपोजोन्स में आपका डीएनए जो है अलग हुआ, डीएनए अलग हुआ, ठीक है ना, यानी कि उसकी कटिंग हुई, उसके बाद वो जा करके पेस्ट हो गया, उसके बाद जा करके पेस्ट हो गया। जो प्रोटीन चाहिए होती थी, जो एंजाइम चाहिए होती थी, वो उसने सबसे पहले बना लेते, वो सबसे पहले बना लेते, इतनी बात याद रख लेना। इतनी बात का पता चला तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम अपने रेट्रो ट्रांसपोजोन्स पे, ठीक है ना, यानी कि पहला हो गया हमारा डीएनए ट्रांसपोजोन्स, डीएनए ट्रांसपोजोन्स। इसको डीएनए क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब यहाँ से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ डीएनए निकल रहा है, इसलिए इसको ये, अब देखो ट्रांसपोजोन्स कौन है आपका, एक्चुअल में डीएनए, एक्चुअल में डीएनए ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए बाहर निकला इसलिए इसको डीएनए ट्रांसपोजोन्स बोला। इसके बाद नंबर दूसरी बारी आती है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की, नंबर दो पे क्या आता है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने एचआईवी वगैरह पढ़े होंगे ना, एचआईवी पढ़े होंगे, जिनके पास आरटी एंजाइम्स रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स रहता है, वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका एक डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, एंड आरएनए से फिर दोबारा से यहाँ पर आरटी एंजाइम्स काम करता है, आरटी एंजाइम्स काम करेगा और ये सी डी एन ए बना लेता है, ठीक है ना, ये सॉरी सी डी एन ए तो आपका क्या होता है, जब लाइब्रेरी वगैरह का यूज करते हैं तब हम सी डी एन ए का यूज करते हैं, बट यहाँ पर अभी आपको सी डी एन ए का यूज नहीं करना। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्या बना लिया इसने, यहाँ पर डी एन ए बना लिया, ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस हुआ कि आपका स्टार्टिंग में हुआ आपका कि ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जहाँ पर आपका डी एन ए टू आरएनए बना, ठीक है ना, डीएनए टू आरएनए बना। उसके बाद यहाँ पर आरटी वायरस ने काम करा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ने काम करा और आरएनए से डीएनए बना दिया, ठीक है ना। सेंट्रल डोगमा में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि किस प्रकार से आपका जो है ये सेंट्रल डोगमा इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो काम है, ये जो काम है, ये आपको एचआईवी में देखने को मिलता होगा। और जो एचआईवी वायरस है उसकी फैमिली को इस आरटी वायरस के कारण हम बोलते हैं रेट्रोविर्डी, यानी कि रेट्रो वायरस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, रेट्रो वायरस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनना है, इसलिए रिवर्स हो रहा है और रिवर्स के कारण ही शब्द आया है रेट्रो, शब्द क्या आया है, रेट्रो, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल था, यहाँ पर क्या था, डीएनए मॉलिक्यूल था। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से कट नहीं होने का, ये यहाँ पर कट नहीं होने का, ये यहाँ पर कॉपी बनाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि जो इसके ऊपर जो डीएनए सेगमेंट लगे हुए थे, जो डीएनए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन थी उसकी, ये उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनाएगा, उसकी क्या बनाएगा, ये बनाने वाला है भाई साहब कॉपी, ठीक है ना, ये बनाएगा कॉपी। और कॉपी किस रूप में बनाएगा, तो ये बनाएगा आरएनए के रूप में, ठीक है ना, ये बनाएगा आरएनए के रूप में कॉपी बनाने वाला है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट यहाँ से काट दो, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट आपका डीएनए ही होने वाला है।
इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही आपका आरएनए बना, आरएनए पे एक एंजाइम्स काम करेगा जिसको बोलते हैं आरटी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका बोला जाता है, ठीक है ना। और इस कंडीशन को हम रिवर्स ट्रांसपोजिशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपका आरएनए से डीएनए बनता है, जहाँ पर आपका आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना। और ये डीएनए फिर जा कर के पेस्ट हो जाएगा, ये डीएनए फिर जा कर के क्या होने वाला है, ये पेस्ट हो जाएगा इसके अंदर, इस टारगेट डीएनए के अंदर। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर और कुछ भी बात जानने वाली है आपके लिए, कि जो आपका ट्रांसपोजोन्स था इसको हम क्लास टू में रखते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो भाई साहब, ट्रांसपोजोन्स को हम दो क्लास में बांटते हैं। अब ये क्लास कहाँ से आई है, इस बात को तो भाई साहब ऊपर वाला जाने, ठीक है ना। लेकिन दो क्लास में बांटते हैं, एक होती है आपकी क्लास वन, एक होती है आपका क्लास वन, दूसरी होती है आपकी क्लास टू, दूसरी क्या होती है, क्लास टू होती है, ठीक है। तो जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये आपके क्लास टू में रखे जाते हैं, और जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये क्लास वन में रखे जाते हैं। और एक्चुअल में आपसे अब एग्जामिनर यही पूछता है कि बताइए कि क्लास वन में आपके रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आएंगे या डीएनए ट्रांसपोजोन्स आएंगे, या फिर क्लास टू में डीएनए ट्रांसपोजोन्स आएंगे या फिर आपके रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आएंगे। तो बच्चे अभी तो याद कर लेंगे लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो इसको याद करने की सुटेबल विधि क्या है? तो भाई साहब याद रख लेना, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही बनना है, यानी कि डबल मतलब क्लास टू, इस प्रकार से याद रख सकते हो। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनना है, यानी कि क्लास वन, ठीक है। याद कर लोगे ना इतनी बात कि आपका रेट्रो में क्या हो रहा है, क्लास वन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए बन रहा है, यानी कि ये याद करने की विधि है, ठीक है ना। अब ये क्लास वन क्लास टू कहाँ से आई ये तो भगवान जाने, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपसे। और अगर इनकी दोनों के मैकेनिज्म का अगर मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँगा, तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होती है ये होती है आपकी कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये कैसी होगी, ये होने वाली है आपकी कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ये होगी आपकी कॉपी, इसको बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। देखो भाई लेक्चर लंबा होगा, लेक्चर अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेक्चर लंबा होने वाला है और ठीक ठाक लंबा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रख कर चलो। और क्यों लंबा क्यों होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप पता करके आओगे, ठीक है ना। अगर चार नंबर में क्वेश्चन, मान लो ये चार नंबर में क्वेश्चन आ गया, देखो भाई साहब पोस्ट रेप्लिकेशन एक टॉपिक ऐसा है, देखो मैंने आपको सेल बायोलॉजी में भी एक CSIR के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि चार नंबर में वो क्वेश्चन आएगा, तो समझ लो वो क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन सा नंबर था। बायोकेमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई साहब इसमें से आएगा तो 100% आएगा, ठीक है ना, 100% आएगा। और ये जो आपको ये जो टॉपिक है पोस्ट रेप्लिकेशन का, याद रख लेना कौन सा टॉपिक, पोस्ट रेप्लिकेशन का टॉपिक, यहाँ से आपसे जो है भाई साहब 8 नंबर में से पूछा जाना है, तो पूछा जाना है, इस बात को आप पल्ले में बांध दो, यानी कि गांठ बांध सकते हो, ठीक है ना। 8 से 10 नंबर का पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इस बात को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और जितना मैं पढ़ा दूंगा आपको उतना ही मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट रेप्लिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी हम रिकॉम्बिनेशन पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा म्यूटेशन आएगा, देन इसके बाद रिपेयर आएगा, तो 3 टॉपिक आते हैं ये पोस्ट रेप्लिकेशन में। और ये 3 टॉपिक में से कम 10 नंबर का चाहे लिख करके रख लो यार, आज तुम लिख करके रख लो, 10 नंबर का आना है तो आना है। इसी प्रकार से मैंने आपको सेल बायोलॉजी में बता दिया था एक टॉपिक कि उसमें से आएगा तो आएगा, इसी प्रकार से मैंने आपको बता दिया था बायोकेमिस्ट्री में भी वो टॉपिक कि यहाँ से आना है तो आना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई साहब अनुमान नहीं है, पूरा विश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, कि यहाँ से आएगा तो आएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हो ना, तो आपको हर साल जब वहाँ के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप फिर कह देते हो कि यहाँ से आना होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो देखो ये लेक्चर लंबा है, बट आप इसको अपनी तरफ से 2 बार में करके देख लेना, 3 बार कर में करके देख लेना, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे देख लेना, ठीक है। बट मैं तो एक साथ ही आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। तो अब ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, ये आपका कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म यहाँ पर चलती है, ठीक है। जबकि अगर डीएनए ट्रांसपोजोन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी कट एंड पेस्ट, यहाँ पर क्या होगा, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कट एंड पेस्ट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ पर हमने छोड़ा था कि आपके जो हैं 2 टाइप के जो हैं ट्रांसपोजोन्स होते हैं। तो पहले को बोलते हैं डीएनए ट्रांसपोजोन्स, दूसरे को बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो देखो अब इसको डीएनए ट्रांसपोजोन्स यानी कि हम कह सकते हैं क्लास 2, ठीक है ना, क्लास 2। और क्या हो रहा है, कट एंड पेस्ट हो रहा है, कट एंड पेस्ट हो रहा है, अभी भी याद ही करो, अभी अभी बताया जस्ट, ठीक है ना। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स यानी कि क्लास 1, क्या कह देंगे, क्लास 1। और यहाँ पर क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट, क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसके, कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स क्या होता है। आपका डीएनए ट्रांसपोजोन्स में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं दैट ट्रांसपोज थ्रू अन डीएनए इंटरमीडिएट आर कॉल्ड डीएनए ट्रांसपोजोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स। यानी कि यहाँ पर डीएनए इंटरमीडिएट आपको चमकता है, यहाँ पर क्या चमकता है, डीएनए इंटरमीडिएट यहाँ पर आपको चमकता है। मोस्ट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स, और अधिकतर जो आपके डीएनए ट्रांसपोजोन्स, आप देखो यहाँ पर आपके स्पेसिफिकली स्टेटमेंट पूछा जाता है, आपको दे देगा कि आपको ये स्टेटमेंट उठा करके दे देगा, मोस्ट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स, और आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना, जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं वे मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, बैक्टीरियल में पाए जाते हैं, यानी कि प्राकैरियोटिक में आपके अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक ना, प्राकैरियोटिक में अधिकतर पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। अधिकतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांस, मतलब जो आपके डीएनए ट्रांसपोजोन्स है ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हम पढ़ेंगे इंसर्शन यानी कि आईएस एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, आईएस एलिमेंट पढ़ेंगे जो कि प्राकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब ये आईएस क्या होते हैं, इंसर्शन सेक्यूल्स क्या होते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो मोस्ट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपोजोन्स हैं वे कैसे हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस बात को मत भूलना। इसके बाद डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैरी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट फंक्शन एज रिकॉम्बिनेशन साइट्स, जो आपका याद रख लेना, जो टर्मिनल रिपीट होती हैं उसका फंक्शन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन साइट्स का फंक्शन होता है, एंड जीन एनकोडिंग रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स कॉल्ड ट्रांसपोजेज। यानी कि यहाँ पर जो आपके 2 चीज़ पाई जा रही हैं, एक तो पाया जा रहा है एंजाइम्स, एंजाइम्स का नाम क्या है, ट्रांसपोजेज एंजाइम्स है, ट्रांसपोज का नाम क्या आपका, ट्रांसपोजेज एंजाइम्स है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है आपका, वो बात आपको याद रखनी है कि एक सेकंड रुको। तो चलिए आइए देखिए, मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैरी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, यानी कि जो आपके ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके पास टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाया जाता है, जो कि रिकम्बाइन साइट, याद रख लेना इसको, रिकम्बाइन साइट्स, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन साइट्स बोल सकते हो, जो कि प्रोवाइड करवाता है, एंड जीन एनकोडिंग रिकॉम्बिनेशन एंजाइम्स, और जो जीन्स होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम्स प्रोवाइड करवाता है। मान लो ये क्या है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो भाई साहब, एक बार समझ लिया ना, फिर आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए। ये मान लो कोई भी आपका ट्रांसपोजोन से, जो कि मैंने आपका बहुत बुरी कंडीशन में बनाया है, ठीक है ना, और ये आपके जो है ये इन्वर्टेड रिपीट है, ये कैसे हैं, ये आपके टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है, और बीच में आपका क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है, और ये जो जीन्स होता है, ये जीन्स याद रख लेना, ये जीन्स आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसपोजोन्स का, ये ट्रांसपोजोन्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो साइट्स है, जहाँ पर ये जाकर के लगेगा,
तो ये साइट प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये साइट स्पेसिफिक है। ये जो आपके रिपीटेड यूनिट है ना, ये जो आपके रिपीटेड इन्वर्टेड रिपीट हैं, ये आपकी जो है साइट प्रोवाइड कराती है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट देन ट्रांसपोज थ्रू अन आरएनए इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपको आरएनए एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है ना, आरएनए एज ए इंटरमीडिएट मिलेगा, आर कॉल्ड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। रेट्रो ट्रांसपोजोन, आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर पीछे एक बात बताई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर आरएनए इंटरमीडिएट को काट दिया था, बट ये आरएनए इंटरमीडिएट यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। आरएनए यानी कि हम कह सकते हैं बीच का भाग, बीच का भाग है। लेकिन अगर हम उस कंडीशन में देखें कि यहाँ पर कौन ऐड है और यहाँ पर कौन ऐड हुआ, तब हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है ना, तब हम इसको नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इन बिटवीन यानी कि आपका जो है वो बीच का भाग बनाता है आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद ऑल्सो कॉल्ड क्लास वन ट्रांसपोजोन्स, इसको क्लास वन ट्रांसपोजोन्स के नाम से भी जाना जाता है। वो डीएनए ट्रांसपोजोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक, ऑल्दो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आर मोर कॉमन। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वो डीएनए ट्रांसपोजोन्स, यानी कि जो आपके डीएनए ट्रांसपोजोन्स एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ये आपके यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, बट व्हाट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आर मोर कॉमन। यानी कि जो यूकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स में आपके जो मोर कॉमन होते हैं वे कौन होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, यानी कि याद रख लेना रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में मोर कॉमन कौन होते हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स, ये मोर कॉमन्स। वैसे तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, डीएनए ट्रांसपोजोन यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाएगा, बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। यहाँ पर मोस्ट बैक्टीरिया लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका ये बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा एंड यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा एंड आपका कहाँ पर, आपका यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। बट जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं पीके के लिए, यानी कि बैक्टीरिया के लिए। और जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वे मोर कॉमन होते हैं किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है ना, यूकैरियोट्स के लिए, जो कि आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर करके चल रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है ना। इसके बाद चलो हम और कुछ भी देख लेते हैं कि अब आपकी बारी आती है ट्रांसपोजिशन की। अभी तक तो हमने पढ़ा कि आपके किस प्रकार से हम ट्रांसपोजोन्स को क्लासीफाई कर सकते थे, ठीक है ना, किस प्रकार से ट्रांसपोजोन्स को क्लासीफाई कर सकते थे। बट अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्चुअल में देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर मैं नॉन रेप्लिकेटिव डीएनए को, नॉन रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोजिशन को, यहाँ पर डीएनए ट्रांसपो, या इसको समझो आप, जो हमने डीएनए, याद रख लेना, डीएनए ट्रांसपोजोन्स पढ़ा है ना, जो हमने डीएनए ट्रांसपोजोन्स पढ़ा है, तो सेम डीएनए ट्रांसपोजोन्स जैसा ही होता है। रेप्लिकेशन ट्रांसपोजोन्स क्या होता है, ये जो हमने रेट्रो वाला सिस्टम पढ़ा है, ये जो हमने क्या पढ़ा है, रेट्रो वाला सिस्टम पढ़ा है, ये सेम वही रेट्रो वाला सिस्टम है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं भाई साहब, हम हैं और जब हम हैं तो क्या गम है, हम आपको बताएंगे और ज़रूर बताएंगे कि हुआ क्या यहाँ पर। वो देखो कि सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रेप्लिकेटेड की। हम किसकी बात करेंगे, जब हम ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे नॉन रेप्लिकेटिव डी आपका ट्रांसपोजिशन, नॉन रेप्ली, अगर देखो मैं यहाँ पर पूरा लिखना चाहूँ, नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, ट्रांसपोजिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये किस प्रकार से जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। इतनी बात पता चली। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉन रेप्लिकेशन का भाग बात आ गई, यानी कि मान लो ये कोई आपका डीएनए था, ये क्या था, डीएनए का मॉलिक्यूल था कोई भी, यहाँ पर प्रेजेंट था आपका क्या चीज़ प्रेजेंट था, यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट था, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये ही डीएनए, ये जो आपका डीएनए सेगमेंट था यानी कि ट्रांसपोजोन्स था, ये अब इस सेगमेंट से बाहर निकलेगा, इस सेगमेंट से बाहर निकल लेगा, एंड बाहर निकलने के बाद
बाहर निकलने के बाद किसी दूसरे डीएनए सेगमेंट पे जा करके, किसी दूसरे डीएनए सेगमेंट पे जा करके ये अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कट एंड पेस्ट के मैकेनिज्म हो, ये यहाँ पर भी आपका जा करके यानी कि सेम स्टैंड पे भी जा करके अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर आपका कोई भी रेप्लिकेशन नहीं हुआ, डीएनए था तो वो एज इट डीएनए ही रहा, डीएनए था तो भाई साहब डीएनए ही रहा, आरएनए में चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये थी आपकी नॉन रेप्लिकेटिव का प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पर रेप्लिकेटिव लिखूँ तो अब आप बड़े ही अच्छे से समझ गए होंगे कि रेप्लिकेटिव में क्या होने वाला है, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, ठीक ना, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आपका ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है जिस पर प्रेजेंट है आपका ट्रांसपोजोन्स, ये है आपका ट्रांसपोजोन्स सेगमेंट, ठीक है ना, ये है ट्रांसपोजोन्स सेगमेंट। अब इस ट्रांसपोजोन्स सेगमेंट ने क्या काम करा कि भाई साहब इसने जो है अपना ट्रांसक्रिप्शन करा, यानी कि इसने आरएनए बनाया, इसने क्या करा, इसने आरएनए बनाया, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना। अब ये जो आरएनए बना था, ये जो, अब देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पर कॉपी हो रही थी एक प्रकार से। अब इसके बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना, यहाँ पर एक एंजाइम्स ने काम करा, जिस एंजाइम्स का नाम क्या था, आरटी, जिसका नाम क्या था, आरटी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। अब इसने बना दिया यहाँ पर दोबारा से डीएनए, अब इसने ये दोबारा से क्या बना दिया, डीएनए बना दिया है। एंड ये डीएनए अब क्या काम करने वाला है, किसी दूसरे स्टैंड पे जा करके, यानी कि यहाँ पर जा करके अटैचमेंट हो जाएगा, ये जो डीएनए आपका बना है ये आकर के यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कलर लेना चाहूँ तो ये कलर ले लेता हूँ और ये कलर मैंने ले लिया ब्लैक, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस देखने को मिला है, और ऐसा नहीं कि ये डीएनए केवल और केवल यहीं पर आकर के अटैच होगा, ये भाई साहब सेम वहाँ पर भी जा सकता है, सेम वहाँ पर भी जा सकता है। अब यहाँ पर एक और आपका जो है स्टेटमेंट आता है, तो यहाँ पर अब आप बताओ ट्रांसपोजेबल, जो आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, खुद सोचना और ख़ुद मुझसे बताना कि जो आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हैं उनका नंबर कहाँ पर बढ़ेगा, उनका नंबर कहाँ पर बढ़ने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका नंबर कहाँ पर बढ़ेगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर पहले से एक प्रेजेंट था, पहले से यहाँ पर एक प्रेजेंट था, इसने अपनी कॉपी बना ली, यानी कि दो हो गए हैं, यानी कि जो नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है वो हमें रेप्लिकेशन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो नंबर है n लिख रहा हूँ वो इनक्रीज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर कहाँ पर इनक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखो नॉन रेप्लिकेटिव में एक डीएनए था भाई साहब, इसी डीएनए को बाहर निकाल लिया, एक डीएनए था इसी को बाहर निकाल लिया, इसी को अटैच कर दिया, तो भाई साहब क्या हुआ, यहाँ पर आपका डीएनए जो आपका ट्रांसपोजोन्स था उसका नंबर नहीं बढ़ रहा, यानी कि जो आपका नंबर था वो आपका नहीं बढ़ रहा, वो आपका नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब दूसरी बात, अब एक और आपसे स्टेटमेंट पूछता है कंजर्वेटिव का, ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या पूछेगा, कंजर्वेटिव का। अभी ये कंजर्वेटिव क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ पूरा इसको, कंजर्वेटिव, यानी कि जैसा डीएनए सेम यहाँ पर था, स्टार्टिंग में था जो ट्रांसपोजोन्स जैसा था, अगर वो ट्रांसपोजोन्स वैसा ही किसी दूसरे में ऐड हो रहा है, वैसा ही किसी दूसरे में ऐड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मैनर, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव मैनर। एंड ये कंजर्वेटिव मैनर कहाँ पर पाया जाएगा, तो थोड़ा सा सोचो और बताओ मुझसे। तो यहाँ पर जब आप कहोगे कि सर हमने जो है सोच लिया और बड़े ही ध्यानपूर्वक सोचा है, तो हम कहेंगे कि जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है यहाँ पर हमें कंजर्वेटिव मैनर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डीएनए यहाँ से निकला वही आकर के यहाँ पर अटैच हो गया, बीच में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर ना तो आरएनए वगैरह का सिस्टम हुआ ना कुछ हुआ, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हुआ इसमें जो है कुछ भी चेंज होने की संभावना नहीं है,
जबकि अगर मैं रेप्लिकेशन में बात करूँ तो आप देखोगे कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तब थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, ठीक ना। अगर जैसे ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त थोड़ा बहुत एरर आ गया, यानी कि जो डीएनए के सेक्वेंस थे वे चेंज हो जाते हैं, जब फिर आरटी से डीएनए में बदल रहा फिर चेंज हो सकता है, यानी कि कंजर्वेटिव सिस्टम, यानी कि ये जो आपके रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन होता है ये कंजर्वेटिव मैनर में नहीं चलता, ये आपका कंजर्वेटिव नहीं होता, और ये स्टेटमेंट आई थिंक लिखा हुआ नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को यहीं पर लिखा हुआ छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये बाद में जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इनको मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है ना, तो उस बात से भी नहीं घबराना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंजर्वेटिव नहीं पाया जाता है, यहाँ पर आपका कंजर्वेटिव मैनर नहीं पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत किसी कोई शक तो भाई साहब पूछ लेना आप एक बार। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन क्या होता है। नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि ऑल्सो कॉल्ड कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स, यानी कि आपका जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन होता है इसको कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन भी बोला जाता है। इन दिस ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्साइज फ्रॉम इट्स इनिशियल यानी कि ओल्ड लोकेशन इन द होस्ट डीएनए एंड इंसर्टेड एट ए न्यू डीएनए। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसपोजिशन होगा, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होंगे वे बाहर निकलेंगे अपने पुराने अपनी पुरानी लोकेशन से और आपके होस्ट डीएनए में आकर के इंसर्टेड हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब इतना है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या हुआ, द कॉपी ऑफ ट्रांसपोजोन डज नॉट इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर कॉपी नंबर नहीं बढ़ा है, एक ट्रांसपोजेबल था एक ही रहा है, एक ट्रांसपोजेबल था एक ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर और भी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो आप कंजर्वेटिव का यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर कंजर्वेशन हमको मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, जो हमारा ट्रांसपोजोन्स है उसका कंजर्वेशन मिला है, ठीक है ना। जबकि अगर हम रेप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑल्सो कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, इसको कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन दिस ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रेप्लिकेटेड ए न्यू कॉपी फॉर्म एंड इंसर्ट ए न्यू डीएनए साइट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नई कॉपी बनती है, यहाँ पर एक नई कॉपी बनती है जो कि आपके टारगेट डीएनए पर या फिर न्यू डीएनए साइट पर जाकर के जुड़ जाती है। ये न्यू डीएनए पे भी जुड़ सकती है एंड सेम डीएनए पे भी जुड़ सकती है, इस बात को मत भूलना। फिर इसके बाद द कॉपी ऑफ ट्रांसपोजोन्स इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि जो कॉपी बनी है, द कॉपी ऑफ ट्रांसपोजिशन इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि जो कॉपी है वो आपकी इंक्रीज होने वाली है, यानी कि आपको कॉपी नंबर इंक्रीज मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन का हिसाब लिखूँ तो भाई साहब कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है यानी कि कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेटिव, तो यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं हो पाता डीएनए मॉलिक्यूल का, इतनी बात याद रख लेना। तो इतनी बात पता चली भाई साहब, अब आपको आई होप काफ़ी अच्छे से पता चली होगी। तो अब चलता हूँ मैं और भी ज़्यादा आगे। अब देखो भाई साहब, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, इस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि इस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को भी दो भागों में बांटते हैं। वैसे तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स को भी आपका दो भाग मतलब काफ़ी सारे भागों में बांटा जाता है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो है इसके डायरेक्ट एग्जांपल अगर याद रखना चाहोगे तो मैं आपको एक लास्ट में जो है इस सब के एग्जांपल वगैरह दे दूंगा, ठीक है ना, इस सब के एग्जांपल वगैरह दे दूंगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अब हम देखेंगे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, और इम्पोर्टेंटली कहाँ पर पाया जा रहा है, ये आपका मोस्टली वैसे तो पाया तो जाएगा आपका प्राकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में भी, बट आपका यूकैरियोटिक में मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को ही हम दो भागों में बांटेंगे, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को ही दो भागों में बांटने वाले हैं। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स।
दूसरा होता है आपका पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, दूसरा क्या होता है पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्रामेटिक, पहले सबसे पहले आप समझो डायग्रामेटिक इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये मिल गई मुझे खाली प्लेस, यानी कि पहले मैं बात कर रहा हूँ जो आपके वायरस लाइक, ठीक है ना, वायरस लाइक, यहाँ पर मैं, यहाँ पर अगर मैं बी आर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर केवल इतना लिख दूँ वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना, यानी कि वी आर एल आर टी, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, वायरस लाइक है, बस इतना समझ लेना, इतनी बात पता चली। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोजोन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो भाई साहब आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर चमकने वाला है, ये आपका ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट है, ठीक है ना, ये क्या है ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट है। आपको पता है कि इसके दोनों साइड में क्या मिलने वाला है आपको, इसके दोनों साइड में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट मिलेगी, क्या मिलेगा टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट मिलेगी, यानी कि ये है टर्मिनल इन्वर्टेड, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है ना, टी आई आर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि भाई माउस से यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बी एल टी आर में अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पर मिलेंगे आपको क्या जीन मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे जीन, तो ये तो नॉर्मल का भी है, ये तो नॉर्मल का भी है, लेकिन यहाँ पर जीन दो प्रकार के मिलते हैं। रेट्रो में जीन कितने प्रकार के मिलते हैं, दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो होता है आपका ट्रांसपोजोन्स, ठीक ना, एक तो होता है आपका ट्रांसपोजोन्स, याद रख लेना ट्रांसपोजोन्स। ये आपके ये जो डायग्राम है ये मैं यहाँ पर आपको पीछे दिखा देता हूँ, जो आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, यहाँ पर अगर मैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बनाऊँ और अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा कि ये आपका जो है ये इधर की साइड में क्या है, इधर की साइड में आपको रिवर्ट, आपको आई आर यानी कि इन्वर्टेड रिपीट देखने को मिल रही है। और जो जीन होता है, जीन यहाँ पर दो प्रकार के एंजाइम्स बनाता है, एक होता है आपका आर टी, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड दूसरा होता है ट्रांसपोजेज, यानी कि दूसरा आपका क्या होगा ये वाला, दूसरा क्या होगा ये वाला। तो ये तो था आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का, और अगर मैं यहाँ पर आपका डीएनए ट्रांसपोजोन्स का डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये तो इसके हो गए एंड वाले पार्ट, यानी कि रिवर्स ट्रांस, रिवर्स रिपीटेड वाले पार्ट, और बीच में जो जीन्स होगा वो केवल और केवल एक ही एंजाइम्स बना पाएगा जिसको बोलेंगे ट्रांसपोजेज। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि आर टी में आपको एक एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा एंजाइम्स देखने को मिल रहा है जिसको बोला है हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को हम समझेंगे, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कहाँ चला गया वो पेज, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका टी आई आर होता है इससे एक और आपका जो है सेक्वेंस जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग साइट रिपीट, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइट या फिर सेक्वेंस रिपीट, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पर दो चीज़ होगा, एक तो हो गए टी आई आर एंड दूसरा हो गया लॉन्ग साइट रिपीट, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला करके ये आपका यहीं पर प्रेजेंट आते हैं इस जगह पर, ठीक है ना, यानी कि जो लॉन्ग साइड होते हैं वे आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं LTR, यानी कि LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, इसको क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। तो ये भी ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा लॉन्ग टर्मिनल रिपीट कहलाएगा, और बीच में जो जीन्स है वे जीन्स आपके ट्रांसपोजेज भी बनाएंगे एंड आपका आर टी का भी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था वायरस लाइक वाला। अगर यहीं पर आपका जो है बनाना चाहूँ जिसको हमने दूसरा बात बांटा था पॉली ए, ठीक है ना, मैंने हालांकि आपको बताया नहीं था कि हमने कौन से दो भागों में बांटा है, बट यहाँ पर देखो जब हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को डिवाइड करते हैं तो पहला होता है वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, दूसरा होता है पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, दूसरा क्या होता है पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर अगर मैं पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको शो करूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा क्या है पॉली
यानी यहाँ पर पोली ए टैल आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, इसलिए इसको यहाँ पर पोली ए बोलते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर कुछ सेगमेंट आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि ये है आपका जो है ट्रांसपोजोन्स। अब इस ट्रांसफर जोन्स पे आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन्वर्टेड रिपीट नहीं पाए जाते, यानी कि ये जो आपके इन्वर्टेड रिपीट में हर बार बना रहता है ना, ये नहीं पाए जाते हैं। जबकि इन्वर्टेड रिपीट के अलावा यहाँ पर पाया जाता है यू टी आर पाया जाता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये आपका इधर 5' है तो ये आपका इधर 3', ठीक है ना, 3' UTR रीजन, यानी कि यहाँ पर आपका क्या नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पर आपका LTR नहीं पाया जा रहा, जो कि बनना था लॉन्ग साइड रिपीट एंड TIR से। इस LTR को तो छोड़ो, यहाँ पर आपका IRB नहीं पाया जा रहा, यहाँ पर आपका IRB नहीं पाया जा रहा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लास्ट में याद रख लेना, इसके लास्ट में अगर जब आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको पोली ए टैल मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ए, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ए ए एंड ए, इस प्रकार से आपको पोली ए टैल चैल देखने को मिलेगी, जिसको हम पोली ए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके लास्ट वाले पार्ट पे। अब यहाँ पर जो ये ट्रांसफर जोन्स बनाया है, इसके जो जीन्स होते हैं, याद रख लेना, इनके जीन्स को यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, जीन्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ORF, जिसको क्या बोलते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसको क्या बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। तो ये डायग्राम है आपका पोली ए का, ठीक है ना, पोली ए का। और ये जो ORF होते हैं, एक्चुअल में जीन की सिंथेसिस यहीं से होती है, जीन की सिंथेसिस यहीं से होती है। अब हम इस पोली ए को भी आगे जब डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो हम दो भागों में पोली ए को डिवाइड करते हैं, वो हम आगे ही पढ़ेंगे कि एक के पास ORF सिस्टम प्रेजेंट होगा, दूसरे के पास ORF सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। तो जिसके पास ORF सिस्टम प्रेजेंट होगा वो तो भाई साहब जीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जिसके पास ये ORF नहीं होगा वो आपका जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। और ये जो ORF है, इनको नंबर दिया जाता है ORF1, ORF2, ORF3 एंड ORF3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ट्रांसफर जोन्स है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो चलो भाई साहब अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, तो देखो भाई साहब, जो रेट्रो ट्रांसफर जोन्स है इसको दो भागों में बांटा गया है, वायरस लाइक एंड पोली ए लाइक, ठीक है ना। तो जो वायरस लाइक है उसको पढ़ने की कोशिश करो कि ऑल्सो कॉल्ड LTR एलिमेंट्स। LTR क्यों, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो आपके टर्मिनल एंड होते हैं उन पे क्या पाया जा रहा था, LTR पाया जाता है, इसलिए इनको LTR एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कैरी इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट सेक्वेंस, और यहाँ पर आपके इन्वर्टेड रिपीट सेक्वेंस पाए जाते हैं, जबकि द टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट एम्बेडेड, यानी कि घुसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं विद ए लॉन्गर रिपीट सेक्वेंस, यानी जो TIR है, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है, वे धसे हुए होते हैं लॉन्गर रिपीट सेक्वेंस के अंदर, और दोनों को एक साथ, यानी कि बोथ एंड्स, और दोनों एंड पर ये धसे हुए होते हैं, और इस चीज़ को कह देते हैं LTR, ठीक है ना, इस चीज़ को कह देते हैं LTR। तो वायरस लाइक ट्रांसपोजोन एंड कोड वाइट प्रोटीन फॉर ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली दो एंजाइम्स आपके काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला है ट्रांसपोजेज एंड दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसपोजेज को हम इंटीग्रेज भी बोलते हैं, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में। अब पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या है, ऑल्सो कॉल्ड नॉन LTR एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी LTR नहीं पाया जाता, डू नॉट हैव टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, यहाँ पर कोई TIR भी नहीं पाया जाता, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट भी नहीं पाया जाता। द टू एंड ऑफ द एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट सेक्वेंस, और यहाँ पर जो मैंने एंड आपको दिखाए थे, एक साइड में आपके 5', याद रख लेना, 5' UTR था, एंड दूसरी साइड में आपका पोली ए
टैल चैन थी, पोली ए टैल चैन थी, एंड उससे ही पहले आपका 3' UTR था, 3' UTR था। वन एंड इज 5' UTR, वेयर एज द अदर एंड आर 3' UTR फॉलोड बाई ए स्ट्रेच ऑफ ए एट। आपको पता होगा अगर ए को जो अगर ए के साथ कौन पेयर करेगा तो डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से टी पेयर करता है, ए पेयरिंग टी, या फिर ए रेसो बी बी एस पेयर कॉल्ड द पोली ए सेक्शन। यहाँ पर पोली ए सेक्शन आपका लगा रहता है एंड में, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है। दे आर कैरी टू जीन्स नोन एज ओ आर एफ वन एंड ओ आर एफ थ्री। इसके अलावा भी आपके और भी जीन्स हो सकते हैं, ओ आर एफ थ्री, ओ आर एफ फोर भी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो बात याद रख लेना कि आपसे पूछा जाता है कि ओ आर एफ में कौन सा आपका कौन से जीन्स कोडेड होता है एंड ओ आर एफ टू में कौन सा जीन्स होता है। तो जो ओ आर एफ वन होता है ये एनकोड करता है आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है एंड पूछा जा सकता है कि ओ आर एफ वन जो है वो एनकोड करता है आपका आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन को। इसके बाद ओ आर एफ टू जो होता है यहाँ पर आपका एनकोडेड प्रोटीन विद वोथ, यानी कि यहाँ पर आपका आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि ओ आर एफ टू के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एंडोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी पाई जाती है, जबकि आपकी ओ आर एफ वन जो होता है यहाँ पर एनकोडेड अन आर एन ए बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पर आपका एनकोडेड होती है आर एन ए बाइंडिंग प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई साहब आगे बढ़ेंगे और इस पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को भी हम दो बेस पे बांटने वाले हैं, दो भागों में बांटने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओ आर एफ, ठीक ना, ओ आर एफ यानी कि ओपन रीडिंग फ्रेम के बेस पर हम इसको दो भागों में बांटने वाले हैं। एक तो वो जिसके पास ओ आर एफ सिस्टम नहीं पाया जाएगा, एक वो जिसके पास ओ आर एफ सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है ना, जिसके पास आर ओ आर एफ सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, यानी कि अब आपका जो है तो पहला आता है यहाँ पर ऑटोनोमस पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन। ऑटोनोमस क्यों बोला गया है, तो भाई साहब देखो ऑटोनोमस का काम वही है, काम क्या है कि अपने जो है जो अपने प्रोटीन खुद बना ले, जो अपनी प्रोटीन जो अपने जीन्स खुद बना ले उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। और केवल यहीं पर नहीं, ये आपका जो है ऑटोनोमस हम यूज करते कर लेते हैं डीएनए ट्रांसपोजोन्स के लिए। तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स में जब एसीडीसी पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस का खेल आएगा, तो अभी ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ये परमानेंट है, ये आपको बताने के लिए यहाँ पर रखा गया है कि ऑटोनोम हम जो है जो आपका पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपका ऑटोनोमस पोली ए एंड दूसरा आपका नॉन ऑटोनोमस पोली ए। ऑटोनोमस यानी कि जो अपनी प्रोटीन खुद बना लेता हो एंड नॉन ऑटोनोमस जो अपनी प्रोटीन खुद ना बनाता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑटोनोमस की बात करेंगे तो यहाँ पर ओपन रीडिंग फ्रेम वन जो कि आपका ओपन रीडिंग फ्रेम टू दोनों होते हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम टू क्या होता है, एंडोन्यूक्लिएज एंड आपका ट्रांसपोएज, ठीक है ना, दोनों एक्टिविटी रखता है, दोनों एक्टिविटी रखता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है ऑटोनोमस का एग्जाम्पल होता है लाइन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट, ठीक है ना, और ये मैमल के अंदर पाए जाते हैं, याद रख लेना पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ये मैमल के अंदर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मैमल के अंदर पाए जाते हैं, इतनी बात याद रख लेना, चाहे आपका लाइन हो या साइन हो ये दोनों के दोनों मैमल के अंदर पाए जाते हैं। लाइन पूछेगा तो लाइन को याद रख लेना, ये ऑटोनोमस पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर साइन पूछ लिया तो साइन कैसे होते हैं, नॉन ऑटोनोमस पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट घुमा सकता है, स्टेटमेंट घुमा सकता है, स्टेटमेंट के लिए तैयार रख लेना, या फिर ऐसे ही पूछ लेता है कि लाइन एंड साइन आर पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स तो भी आपका सही है। अगर ऐसा पूछ लिया लाइन इज ए पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स तो भी सही है, साइन इज ए पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स तो भी सही है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने हैं कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए इसको क्लासिफिकेशन करा गया है इसका। इसके बाद हम नॉन ऑटोनोमस पोली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर डू नॉट एनकोडेड ओ आर एफ वन एंड ओ आर एफ टू, यहाँ पर ओ आर एफ वन एंड ओ आर एफ टू नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस या फिर एंजाइम्स नहीं बना सकते।
ट्रांसपोजिशन डिपेंड ऑन प्रोटीन एनकोडेड बाई ऑटोनोमस एंड पॉली ए ट्रांसपोजोन्स, यानी कि यहाँ पर अगर इसकी एक्टिवेशन होना है तो इसको जरूरत पड़ेगी इस पॉली, मतलब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपकी ऑटोनोमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है साइन शॉर्ट इंटरस्पर्स एलिमेंट, ठीक है ना, शॉर्ट इंटरस्पर्स एलिमेंट, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो साइन जो है, साइन का एक एग्जांपल है ए एल यू, साइन का एक एग्जांपल क्या है ए एल यू, इसको मत भूल लेना। और ये ए एल यू हम मैमल में पढ़ते हैं, ए एल यू हम मैमल में पढ़ते हैं, इस बात को भी याद रख लेना। एक्चुअल में ए एल यू क्या है, ए एल यू भाई साहब याद रख लो ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ए एल यू क्या है। ए एल यू मैमल के अंदर जो जीन्स पाया जाता है, जीन्स के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर आपने सुना होगा एक एंडोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं ए एल यू वन, ए एल यू वन, तो इसके लिए एंडो यानी कि इसके लिए इसको रिकॉग्नाइज करता है इस वाले एंजाइम्स को, ये एल ए एल यू रीजन जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है और इसी पार्ट को मैमल्स के अंदर ए एल यू बोल देते हैं। और ये एग्जाम्पल होता है साइन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन और साइन क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से पता लगे होंगे कि लाइन क्या है आपका ऑटोनोमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है एंड साइंस क्या है नॉन ऑटोनोमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है। साइन को जरूरत होती है ऑटोनोमस पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की, जबकि लाइन को किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इतनी बात पता चल गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे अब डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके जो है किस चीज़ के आपके ट्रांसपोजोन्स की। अगर मैं अब आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से यहाँ पर बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर आपका अगर आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, क्लास वन हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्लास वन एंड क्लास टू, ठीक है ना। क्लास वन को हमने क्या बोला था, तो आपको याद होगा क्लास वन को हमने रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोला था, क्या बोला था रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोला था। क्लास वन को हमने क्लास टू को हमने डीएनए ट्रांसपोजोन्स बोला था, क्या बोला था डीएनए ट्रांसपोजोन्स बोला था, डीएनए ट्रांसपोजोन्स बोला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, अब आपको इतना तो है नहीं कि मैं यहाँ पर बताऊँ कि यार ये क्या क्या करता है, कि इसके पास आरटी होता है, इसके पास जो है कॉपी नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स पर, हालांकि ये सब सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ एक प्रकार से, जिससे आपकी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम क्लास टू, ये ई नहीं है, ये समझ लो क्लास है, ये क्या है क्लास है, क्लास वन को जब हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पाए जाते हैं आपके ई के में, यानी कहाँ पर यूकैरियोटिक में, जो कि मोस्टली पाए जाते हैं, जो कि मोस्टली यूकैरियोटिक में कहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो यहीं पर पाए जाते हैं आपके जो आरटी होता है। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसको बांटना चाहूँ तो इसको मैं बांट सकता हूँ लाइन और साइन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, लाइन एंड साइन, लाइन एंड आपका साइन, एस आई एस आई एन ई साइन, ठीक है ना। ये जो लाइन होता है इसका नेचर कैसा होता है, तो लाइन का नेचर याद रख लेना भाई साहब, लाइन का नेचर आपका होता है आपका ऑटोनोमस टाइप का, ठीक है ना, इसका नेचर कैसा होता है ऑटोनोमस टाइप का, इसका नेचर कैसा ऑटोनोमस टाइप का। और साइन का नेचर मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कैसा होता है, नॉन ऑटोनोमस का, कैसा होगा नॉन ऑटोनोमस का, ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में आपने नाम सुना होगा, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वायरस, ठीक है ना, अब मैं लिख रहा हूँ वायरस। अगर वायरस में से आपसे पूछा जाता है तो आपने नाम सुना होगा एचआईवी, आपने नाम सुना होगा किसका एचआईवी, यानी कि इसका एग्जाम्पल एचआईवी, ठीक है ना, जो एचआईवी वायरस होता है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सी टू को, यानी कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स को। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं प्राकैरियोटिक की, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकैरियोटिक की। तो प्राकैरियोटिक में हम पढ़ेंगे
IS यानी कि आपके इंसर्शन सेक्वेंस जो होते हैं उनको पढ़ेंगे, IS एलिमेंट, ठीक है ना, IS एलिमेंट भी बोल देते हैं। इनकी टाइप पढ़ेंगे कि इनके टाइप हम देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, याद रख लेना, एक होते हैं ये सिंपल टाइप के एंड दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के। दूसरे कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप के। अभी सिंगल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बात करेंगे हम आगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम बांट लेते हैं, फिर चलते हैं हम यूकैरियोटिक पे, फिर चलते हैं यूकैरियोटिक पे, यूकैरियोटिक पे, ठीक है ना। अब यूकैरियोटिक जो को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ए सी डी एस, जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है, मेज के अंदर, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, मेज के अंदर। एंड एक्चुअल में जो एमसी, जो आपकी बर्बरा एमसी क्लिंटन क्लिंटॉक थी, उन्होंने यहीं पर स्टडी की थी, ठीक है ना। मेज की स्पेलिंग ये गलत है, ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद जब हम यूकैरियोटिक में आगे एक और चीज़ पढ़ेंगे, P1, ठीक है ना, P1 एलिमेंट को भी पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये P1 एलिमेंट क्या है, ये आपके ड्रोसोफिला में पाया जाता है। P1 एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक ना, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। इसके बाद हमने पीके में देख लिया, ईके में देख लिया, अब हम भाई साहब थोड़ा सा चलते हैं वायरस के अंदर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वायरस के अंदर, मुझे पता है ये जो है लिखा हुआ गलत सा है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर जो है राइटिंग सही नहीं है, ठीक है ना, राइटिंग सही नहीं है, क्योंकि देखो अगर राइटिंग सही करने बैठ गया तो आपका काफ़ी ज़्यादा ये लंबा पार्ट ले लेगा, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा तेज़ बढ़ना है, ठीक है ना, तेज़ बढ़ना है, क्योंकि लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन गाइस ये पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो वायरस अब आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो सकता है कि आपका इंटीग्रेटेड हो, यानी कि आपका जो है वायरस एंड कोई दूसरा, मतलब वायरस का जो डीएनए है एंड कोई दूसरा डीएनए मिला हुआ हो, वो बैक्टीरिया हो सकता है, ह्यूमन का हो सकता है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेट, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट बोला जाता है, इंटीग्रेट बोला जाता है, यानी कि जहाँ पर इंटीग्रेज नाम का एंजाइम्स काम करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो याद रख लेना, लैम्डा फेज आपने सुना होगा, लैम्डा फेज एंड म्यू फेज इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, इतनी बात सही है। इसके बाद नॉन इंटीग्रेज, यानी कि जो इंटीग्रेज नहीं करते, यानी कि जो इंटीग्रेशन नहीं बनाते हैं, तो उसमें क्या आता है, उसमें याद रख लेना आपका P1 फेज आता है। गाइज ये जो मैंने लिखे हैं ना, और ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ से पूछा जाता है, तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम इनको वन बाई वन करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्लास टू पे चलते हैं कि क्लास टू में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो देखो अब हम जो है IIS को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये IS PCS वो वाला, SPCS नहीं, इंसर्शन सेक्वेंस वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, प्राकैरियोटिक में पाया जाता है IS, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट फाउंड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड प्लाज्मा। तो ये जो आपका IS है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में एंड प्लाज्मिड के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। ये एनकोडेड करता है, यानी कि इसके पास एक जीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजेज, एंड ये ट्रांसपोजेज क्या करता है, ये ही आपका लाइगेशन का भी यही काम करवाएगा एंड कट भी यही करेगा, यानी कि एक एंजाइम्स दोनों तीनों काम करेगा आपके, ठीक है ना, मोबिलाइजेशन एंड इंसर्शन यही करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, मोबिलाइज कराने का काम ये करेगा, कट लगाने का काम ये करेगा, और जोड़ने का काम भी ये करेगा। तो ये थारा भाई वो है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजेज, ठीक है ना, जो कि बड़ा ही बिहाया किस्म का इंसान है, ठीक है, तो इतनी बात समझ लेना। रेंज इन साइज फ्रॉम 768 बेस पेयर टू 5 किलो बेस पेयर। और ये स्टेटमेंट भाई साहब मैं आपसे पूछूंगा, ये दोनों स्टेटमेंट मैं आपसे पूछूंगा, 3 और 4, जब हम लैक ओपरेंट मॉडल पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, यानी कि जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तब। यानी कि ये जो आपका IS होता है, ये ऑलमोस्ट कितनी, इसकी रेंज कितनी होती है, 768 बेस पेयर टू 5000 बेस पेयर तक होती है,
ठीक है ना। आईएस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ई कोलाई गैलेक्टोज ऑपरेन इज 768 बेस पेयर लॉन्ग एंड इज प्रेजेंट विद इन 4 to 19 कॉपी इन द ई कोलाई क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, यानी कि आपके 4 to 19 कॉपीज यानी कि क्रोमोसोम्स के 4 to 9 में घूमता रहता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफ ऑल नॉन आईएस एलिमेंट सो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीटेड, यानी कि सारे के सारे कैसे शो करते हैं, इन्वर्टेड रिपीट शो करते हैं। यानी कि वैसे तो सारे के सारे जितने भी ट्रांसफर जोन से वे सारे के सारे इन्वर्टेड रिपीट ही शो करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने तो खैर ये इन्होंने एवी लिख दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के टर्मिनेशन का यानी किस प्रकार के रिपीटेशन का ये यूज करते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इनको करेंगे भाई साहब हम डिवाइड, अब इनको करेंगे हम डिवाइडेशन इनका करने वाले हैं। तो मैं ये एक खाली पेज लेने दूँ, तो ये मिल गया हमको खाली पेज, ठीक है ना। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम दो भागों में आईएस एलिमेंट को जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो पहला है आपका सिंपल आईएस एलिमेंट, ठीक है ना। समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब ये, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर या तो हो सकता है सिंपल, ठीक है ना, या तो हो सकता है आपका सिंपल आईएस यहाँ पर लिख देता हूँ, आईएस क्लासिफिकेशन या फिर आईएस टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना। आईएस टाइप से आप समझ सकते हो। देखो जितना मैं लिख रहा हूँ सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो चिंता करने वाली कोनो बात नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हो सकते हैं या फिर आपके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं इतनी बात याद रख लेना। अब यहाँ पर होता क्या है वो देखो कि मान लो एक ट्रांसपोजोन्स है ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, एक ये ट्रांसपोजोन्स है। अब इस ट्रांसपोजोन्स पर आपकी एक टी आई आर यानी कि आपकी इन्वर्टेड रिपीट, एक टी आई आर यहाँ पर है एंड एक टी आई आर यहाँ पर है, यानी कि एक इन्वर्टेड रिपीट आपकी ये हो गई, ठीक है ना। और बीच में पाया जा रहा है आपका जीन्स, बीच में पाया जा रहा है जीन। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, यानी कि सिंपल ट्रांसपोजोन्स है। ये क्या है, ये आपका सिंपल ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स की अगर बात करेंगे तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है कंपोजिट, एक होता है आपका कंपोजिट आईएस एंड दूसरा होता है आपका नॉन कंपोजिट आईएस, जहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। नॉन कंपोजिट आईएस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो भाई साहब, कि आपका ये जो स्टैंड है यहाँ पर याद रख लेना, ये बीच में अगर जीन पाया जा रहा है, यहाँ पर जीन एक ही होता है, यहाँ पर जो जीन होता है वो एक ही होता है, लेकिन ये जो आई आर रीजन देख रहे हो ना, ये जो आप आई आर रीजन देख रहे हो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि इधर की साइड में हो सकता है पाँच छः आई आर प्रजेंट हो, हो सकता है इधर की साइड में आपके सात आठ आई आर प्रजेंट हो, ठीक है ना, लेकिन जीन की संख्या एक ही होगी। ऐसे आईएस को बोलते हैं कंपोजिट आईएस, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है नॉन कंपोजिट की। नॉन कंपोजिट में क्या होता है कि मान लो ये बना दिया मैंने एक ट्रांसपोजोन्स, अब इधर की साइड में एक लगा हुआ है भाई साहब आपका आईआर, एक इधर की साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना, और बीच में काफ़ी सारे जीन पाए जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाया जा रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे टाइप का जीन पाया जा रहा है G2, यहाँ पर किसी तीसरे टाइप का जीन पाया जा रहा है G3, बट यहाँ पर आपका एक ही जीन पाया जा रहा था। हो सकता है वो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट जीन हो, या फिर हो सकता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन रेसिस्टेंट जीन हो, यानी कि यहाँ पर जो जीन है वो आपका एक ही है, यानी कि ठीक है, इस बात को याद रखना। तो नॉन कंपोजिट में आपके जीन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है एंड कंपोजिट में आपके जो जीन की संख्या एक होती है, ये बात आपसे पूछी जाती है। तो ये था आपका आईएस टाइप, तो अब यहाँ पर हो गया हमारा आईएस टाइप कंप्लीट, ठीक है ना। आईएस टाइप जो है हमारा
कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एसी डीसी सिस्टम की, ठीक है, सॉरी एसी डीएस सिस्टम की। एसी डीएस सिस्टम आपको मेज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मेज में देखने को मिलेगा। जो एसी होता है वो ऑटोनोमस होता है, वो कैसा होता है, ऑटोनोमस, यानी कि सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह ये बना लेता है। डीएस क्या होता है, ये नॉन ऑटोनोमस होता है। ये क्या होता है, नॉन ऑटोनोमस होता है, यानी कि इसको ज़रूरत होती है इस एसी की, इसको ज़रूरत होती है इस एसी की। अब यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। याद रख लेना, अगर एसी प्रेजेंट है तो ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन करवा सकता है, यानी कि किसी भी जीन का ब्लॉक करवा सकता है, किसी भी जीन को, याद रख लेना, जीन को इनएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है ना, जीन को, यानी कि जीन को कुल मिलाकर के जीन को कंट्रोल कर सकता है। इस बात को आप याद रख लेना, एक्टिवेशन एंड नॉन एक्टिवेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, यानी कि जीन को कंट्रोल कर सकता है एसी। बट जो डीएस होता है इस जीन को नहीं कर सकता है कंट्रोल, इस जीन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इस डीएस को हेल्प मिल जाए इस एसी की, तो भाई साहब तब ये पहलवान हो जाएगा एंड ये भी कंट्रोल करेगा, ये भी कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो कि आप अपनी तरफ से समझ सकते हो। मेन जो बात थी वो यही थी, मेन बात यही थी कि एसी क्या कर सकता है, डीएस क्या कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं ड्रोसोफिला ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना, यानी कि ड्रोसोफिला ट्रांसपोजोन्स में। ड्रोसोफिला ट्रांसपोजोन्स में आपका पी एलिमेंट होता है। वैसे ड्रोसोफिला एलिमेंट में आप कोपिया एलिमेंट भी देखोगे, एफ एलिमेंट भी देखोगे, एल एलिमेंट भी देखोगे, बट वे पार्ट हैं रेट्रो के। यहाँ पर डीएनए ट्रांसपोजोन्स का पी एलिमेंट है। और यहाँ पर देखो भाई साहब एक चीज़ पूछा जाता है, ये चीज़ जो लिखी हुई ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है वो जानो। अगर आपका, अब आपके आपको पता होगा मेल एंड फीमेल दो ही आपके जो हैं ये पाई जाती हैं, दो ही मतलब सेक्स होते हैं, एक तीसरा ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, जहाँ पर आपका हाइब्रिड सिस्टम बनता है। तो अगर यहाँ पर एक बात रखो, पहला एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ, अगर मेल के अंदर पी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में मेल के अंदर पी एलिमेंट प्रेजेंट है एंड एफ के अंदर भी पी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी मिलेगी, यहाँ पर जो बच्चे होंगे वे आपके फर्टाइल होंगे। वे कैसे होंगे, वे आपके फर्टाइल होने वाले हैं, ठीक है ना, वे फर्टाइल होने वाले हैं। और अगर दूसरी कंडीशन, यहाँ पर M में आपको P नहीं मिलता, F में यहाँ पर P मिलता है, तो भी आपके बच्चे कैसे होंगे, यानी कि ड्रोसोफिला के बच्चे फर्टाइल होंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट, M के अंदर भी P नहीं मिलता एंड आपका F के अंदर भी P नहीं मिलता, तो भी बच्चे कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे। और नंबर फोर, अगर M के अंदर P मिलेगा एंड आपका जो है एफ के अंदर पी नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तब आपका जो है स्टाइल, यानी कि नॉन स्टाइल बच्चे होंगे, यानी कि एक प्रकार से हाइब्रिड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नॉन स्टाइल लिख देता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि ये जो पी है इसकी जो कंडीशन वो हेट्रोट्रोप की है, ठीक है ना, हेट्रोट्रोप की है। तो यहाँ पर तो ये जो पी था, एफ का पी था, इसको सप्रेस कर रहा था, इसको रोक रहा था, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पी है ही नहीं, बट यहाँ पर इस पी को कोई भी सप्रेस करने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस, और ये जो प्रोजेनी है उनको बना देगा नॉन स्टाइल, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई साहब ये इतनी बात याद रख लेना, बाकी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये ड्रोसोफिला है, देखो आपको सेम यहाँ पर दिख रहा होगा, मेल है ये आपका मेल है ये आपकी फीमेल है, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेल के लिए साइन क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो ये साइन किसका है एंड ये साइन किसका है, अगर आपको कुछ याद हो तो, ये मेल का है, ये फीमेल का है, बट कोई बात नहीं, आप जो है पीछे यहाँ पर ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है ना, ये वाली बात याद रख लेना।
इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। ये आपका मेल है, ये आपका मेल है, याद रख लेना, ये आपका मेल है एंड ये आपका फीमेल होता है, ये आपकी फीमेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सही तो दे रखा है, यहाँ पर ये मेल है, ठीक है ना, ये मेल है, ये पी और एम दो जीन दे रखे हैं। तो जब मेल के पास, जब मेल के पास पी आ गया, जब मेल के पास पी था, पी एलिमेंट था, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी मिलेगी वो आपको क्या से मिलेगी, डिसजेनेसिस मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको या तो कोई प्रोजेनी ना मिले, डिसजेनेसिस मिले, या फिर आपको नॉन स्टाइल या फिर नॉन फर्टाइल मिले, ठीक है ना। यानी कि जो स्पेसीज होगी ये आपको नॉर्मल नहीं होगी, ये स्पेसीज भले ही नॉर्मल अपेयरिंग हो रही हो लेकिन अंदर का मटेरियल इसका नॉर्मल नहीं होने वाला। लेकिन अगर इसके अपोजिट मिले कि आपको मेल में नो पी एलिमेंट मिले, यहाँ पर कोई भी पी एलिमेंट मिले ना मिले, सॉरी यहाँ पर आपको अगर कोई भी पी एलिमेंट ना मिले, तो जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल होगी। ये देखो फाइल जो आपकी फ्लाइज है वे फर्टाइल है, यानी कि इसने जो है और भी अपने जैसी प्रोजेनी बना ली है, ठीक है ना। और इसका जो निमोनिक्स आप इस प्रकार से याद रखते हो, इफ़ ओनली मेल है पी एलिमेंट, अगर मेल के पास पी एलिमेंट होए तब तो भाई साहब गयो, टाटा एंड बाय बाय, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। इसके बाद टी वाई एलिमेंट्स पा जाते हैं। ये टी वाई एलिमेंट्स यहाँ पर एक्चुअली मैं गलत ले आया हूँ, ये जो टी वाई एलिमेंट होता है ये रेट्रो का एग्जांपल होता है, यानी कि क्लास वन का एग्जांपल होता है। ये किसका एग्जांपल है, क्लास वन का एग्जांपल है, इस बात को याद रख लेना। एंड ये जो टी वाई होता है, ये जो आपका टी वाई होता है, टी वाई एलिमेंट, ये आपका ईस्ट में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ईस्ट में पाया जाता है, क्लास वन का होता है। तो इसको आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, इसको आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कट एंड मैं लिख रहा हूँ क्लास वन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लास वन, क्लास क्लास वन, ठीक है ना, क्लास वन। देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट लेकर के आया था जो कि आपसे नहीं पूछे जाते, जो कि आपसे नहीं पूछे जाते। फिर इसके बाद जब हम वायरस की बात करते हैं, तो ये भी आपका क्लास वन का ही है, ये भी आपका क्लास वन का ही है। तो वायरस के पास आपके तीन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं या फिर जीन होते हैं जो कि प्रोटीन को, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। पहला होता है गैग, दूसरा होता है पोल, ठीक है ना, पहला होता है आपका गैग, दूसरा होता है पोल एंड तीसरा होता है ई एन वी, तीसरा होता है ई एन वी, ठीक है ना। तो जो गैग होता है वो मैट्रिक्स कैप्सिड एंड न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है ना, ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये तीन चीज़ आपको जो है प्रोवाइड कराता है। इसको आप निमोनिक्स आप बना सकते हो, गगन एम एन सी, गगन एम एन सी कंपनियाँ होती है ना, एम एन सी, ठीक है ना, एम एन सी। इसके बाद प्रोटीएज याद रख लेना, प्रोटीएज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंट्रीगेज, ये वाला जो इतना पार्ट चमक रहा है, इतना पार्ट ये है आपका, ये पोल के द्वारा बनता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीएज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंट्रीगेज ये आपका पोल के, पोल एंजाइम्स के द्वारा बनता है। यहाँ पर गैग में याद रख लेना, किसी में आपको प्रोटीएज मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ लेना। इन्वायरमेंट में आपको दो प्रकार की प्रोटीन बनने मिलेगी, यानी कि ई एन वी से आपको जो है दो प्रकार की जो प्रोटीन मिलेगी, सरफेस ग्लाइको प्रोटीन एस यू एंड आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्लास वन का है, ये किसका है, ये क्लास वन का है। तो भाई साहब इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है, याद रख लेना भाई साहब, ये वायरस में आपसे पूछा जाता है, ये वायरस में रेट्रोजीन में आपसे पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आपका बताइए गैग जो है कौन से जीन का या फिर कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यकीन ना रहा हो तो पीछे के आप ट्रांसफर जोन्स के उठा करके देख लेना अपने क्वेश्चन, वहाँ पर ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इतनी बात आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ह्यूमन की बात करेंगे तो ए एल यू, आप मैंने आपको बताया था कि साइन का एग्जांपल होता है, ए एल यू साइन का एग्जांपल होता है। फिर इसके बाद लाइन है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब देखो आप अपनी तरफ से पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट था लाइन एंड साइन में वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर डीएनए ट्रांसफर जोन्स के एग्जांपल लिखे हैं, डीएनए ट्रांसफर जोन्स के एग्जांपल लिखे हैं। ये पहले नंबर पर बैक्टीरिया के हैं, पहले नंबर पर बैक्टीरिया के हैं एंड आपके दूसरे नंबर पर यूकैरियोट्स के हैं। तो इनको भाई साहब आप अपनी तरफ से आपको याद होने चाहिए। देखो डीएनए ट्रांसफर जोन्स में जब आप पढ़ोगे, यूकैरियोटिक में जाओगे, पी एलिमेंट होता है, हेड फैमिली एलिमेंट होता है, T
TC1 एंड आपका मैरिनल एलिमेंट होता है। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स में जाओगे तो ये आपके रेप्लिकेटिव नॉर्म रेप्लिकेटिव यानी कि जो सेल्फ अपने जीन्स बना यानी कि सॉरी जो कॉपी कॉपी एंड आपने देखा होगा पेस्ट का जो है मैकेनिज्म को यूज करते हैं उनको बोलते हैं रेप्लिकेटिव एंड जो कट एंड पेस्ट के जो मैकेनिज्म का यूज करते हैं उनको बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिव। तो यहाँ पर जो कॉपी एंड पेस्ट करते हैं उनका एग्जाम्पल है TN3 एंड इसके बाद फेज म्यू TN5 TN10 एंड TN7 IS99 ठीक है ना। तो आप इतनी ये चीज़ याद कर सकते हो अपनी तरफ से। इसके बाद ये आपका ऊपर DNA ट्रांसपोजोन्स थे ठीक है ना, नीचे आपके रेट्रो ट्रांसपोजोन्स थे जिसका आपके एग्जांपल लिखे हैं वायरस लाइक एंड पोली ए लाइक ठीक है ना। तो जो वायरस लाइक होता है TY एलिमेंट जो कि ईस्ट में पाया जाता है, कॉपिया एलिमेंट जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है भाई साहब, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पोली ए में आपका एफ एंड जी एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि ड्रोसोफिला में, लाइन एंड साइन एलिमेंट होते हैं, और जो साइन का एक एग्जाम्पल होता है ALU ठीक है ना, ALU। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो लाइट भाग चुकी है और हमारा जो है लेक्चर भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है ठीक है ना, लेक्चर भी समाप्त हो चुका। अब यहाँ पर आपको LTR पता चल गया होगा कि LTR क्या होता है आपका एंड DNA ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं ठीक है ना। इसके बाद साइन का पता चला होगा, लाइन का पता चला होगा। तो देखो साइन एंड लाइन, ये साइन एंड लाइन आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्ट बना रहा है, लाइन ऑलमोस्ट 20% पार्ट बना रहा है, लाइन 22-21% पार्ट बनाता है एंड साइन आपका 13% पार्ट बना रहा है, LTR आपका 5% पार्ट बना रहा है, DNA ट्रांसपोजोन 3% पार्ट बना रहा है। जबकि इसमें अगर आप एक्चुअल में प्रोटीन कोडिंग यहाँ पर जीन देखोगे तो यहाँ पर आपको 1.5% ही चमकने वाले हैं ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारा और कुछ बचा नहीं है तो हमारा ये जो है समाप्त हो चुका है। लास्ट में ये डायग्राम मैं दोबारा से ले आया हूँ कि ऐसो से बचना जो आपको ऊपर से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे दिखें ठीक है ना। और यहीं पर दोस्तों हम ये लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में हमने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा, यहाँ से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आप मुझे बोलोगे थैंक्स ठीक है ना, आप मुझे बोलोगे थैंक्स और मैं कहूँगा कि कोई नहीं भाई साहब, आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ, ये थैंक्स की स्पेलिंग सही है या फिर गलत है मुझे इस बात को आपको बताना है ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।